गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट पुरदेव। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। अब इस्लाम में महिलाओं के हकूक, मतलब ये तो बड़ा जोक है। पहले तो ढूंढने से नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये वकास भाई जो है कुछ अलतकया कर रहे थे। रहमत के अलावा और कुछ बोल नहीं पाए। रहमत तो नाम के लिए रहमत, जैसे हम लोग बोलते हैं घर में लक्ष्मी आई है, तो बोलने के लिए तो अच्छा है, लेकिन वो लक्ष्मी को लक्ष्मी मानते भी हो कि नहीं, तो दैट मैटर्स। तो रहमत बोलने से तो क्या ही हो जाएगा। और उसके अलावा जो भी वो गिनवा रहे थे, वो अपना खुद का नजरिया गिनवा रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। वो अच्छे बच्चे नहीं होते, जैसे अच्छे अच्छा आदमी हूँ मैं, तो भाई ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, कारोबार, एजुकेशन, मतलब कुछ है लेन देन इसका कुरान हदीस से। देखो कैसा है, एक क्या कहते हैं उसको, जो एक एजुकेटेड और दुनियावी तालीम में ज़्यादा मानने वाला जो मोमिन होता है, वो जिस तरह की बातें करता है, बस वही बातें ये कर रहे थे कि भाई कारोबार में भी ये है वो है। जैसे उन्होंने वो कौन से भाई साहब थे, गर्ग साहब ने जैसे ही बोला कि भाई वो जो स्टेटमेंट था कि भाई अगर आलिम बन, मतलब जैसे कि किसी देश या स्टेट की आलिम जो है वो राजा रानी कि हाँ, मतलब जो है वो महिला बन जाए तो वो देश कभी ऊपर आएगा नहीं, यहाँ वो अलतकिया करना चालू करती है। इन शॉर्ट तो है ही नहीं कुछ, मतलब मैं तो ध्यान सुन रहा था, मैं बोला ये भाई सब कुछ गिनवाएंगे कि क्या है हुकूक, मैं भी जानू जरा। मीरा जी भी एक्साइटेड होगी कि आज उनको भी कुछ नया जानने को मिलेगा लेकिन फिर से निराश कर दिया इन लोगों ने। है ही नहीं कहीं, मतलब कत्लो गैरात, जुल्म, ये सब पूरे लिखे, लौंडिया बना लो, दाएं हाथ में जो है उसको धर लो, हाँ इधर धरो उधर, शादियां जितने मर्जी करो, हाँ लौंडिया से शादी, लौंडिया से। अब ये सफिया, ये थोड़ा विचित्र मामला है ये सफिया वाला, वो भी मतलब उसका पति को मार दिया है उसी रात में जो है भाई सब डिंग डोंग कर रहे हैं, तो क्या ही फिर। जी भाई, हमारे साथ मोमिन, अल्लाह करे मोमिन ओम करे, ओम हो अकबर। मोमिन भाई अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? जी भाई खैर वाफियत। हाँ गुड गुड। मैंने ना वो अभी वकास साहब गए थे, तीन चार और ऐड करनी थी चीजें जो बड़ी मेरे पास रेफरेंस तो नहीं है, लेकिन जो हमारे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और अहकामात दिए हुए हैं खवातीन के मामले में, वो मैंने क्विकली कुछ बातें करनी थी। हाँ जी सुनो ना आपकी पूरी मुकम्मल बात सुनेंगे हम, आप जितना भी वक्त लेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि इस्लाम में औरतों को क्या हुकूक दिए गए हैं। हाँ जी हाँ जी, जो और कहीं नहीं है, जो इस्लाम ने दिया है औरतों को हुकूक। हाँ, उसमें से एक दो तीन हुकूक आप मुझे लिखवा दीजिए। हाँ जी, वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम, ये मैंने हेडिंग लिखी है, इसमें एक नंबर आप लिखवा दीजिए जो सबसे सॉलिड आर्गुमेंट पॉइंट लगता है आपको, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपका। हाँ जी, फिर उसके बाद आप अपनी बात रखिए, अपना कमेंट रखिए। हाँ जी, तो जो वकास आप जो बता के गए थे ना, उसी में मैंने ऐड करनी थी कि जैसे जो बेटी है वो, आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जो मुकम्मल बात कीजिए वकास खान साहब की बातों में ऐड कीजिए, लेकिन मुझे एक नंबर लिखवा दीजिए, मेरे पास हेडिंग है। हाँ, वही बताने लगा हूँ। वुमेन्स राइट। हाँ, यूँ बताने लगा हूँ। वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम, एक नंबर। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो जो वकास साहब ने कही थी कि बेटी रहमत है, ठीक है, ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात ये है कि बेटी रहमत है, ये पहला पॉइंट है। हाँ जी, ये सिर्फ बेटी के बारे में कहा गया, बेटे के बारे में नहीं कहा गया। और फिर ये कहा गया है बेटी के बारे में कि तीन बेटियां जिसकी हों वो उसका वो जन्नत में जाएगा, जिसके पास तीन बेटियां हों वो जन्नत में जाएगा। फिर जो जैसे वो बता रहे थे कि आपने वही इक्वल आपने मतलब चीजें देनी है, टॉयज, एजुकेशन, जो आपने बेटे को देनी है वही बेटी को देनी है, नहीं देंगे तो आपकी अल्लाह ताला पूछेगा। और फिर ये है कि प्रोटेक्शन, मैंने तो बेटा और बेटी के एक जैसे राइट्स है, अगर वो नहीं दिए तो अल्लाह ताला पूछेगा, कहाँ लिखा है? वो औलाद के दरमियान जो भी तफरीक करेगा, औलाद पे चले गए।
औलाद में बेटा बेटी दोनों आते हैं ना, कि औलाद में जो भी तफरी करेगा। राइट्स के ऊपर बात कर रहे हैं भाई हम, औरतों के हकूक पे बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो ये ना औरत और मर्द के मसावी हकूक बताइए। हाँ जी, उसके बाद फिर ये है कि प्रोटेक्शन जो है वो भाई पे भी है कि वो बहन को और बाप बेटी को प्रोटेक्शन देगा। फिर जब जब शादी के मामलात में ये है कि प्रोटेक्शन बेटी प्रोटेक्शन तो लड़के को भी मिलेगा ना, तो उसमें लड़की के लिए क्या अलग? लेकिन उसमें लड़के के लिए भी जो भाई होता है ना, उसको भी ये जिम्मेदारी है कि उसे बहन को प्रोटेक्शन देनी है। अरे तो बाप की जिम्मेदारी है कि भाई बेटे को प्रोटेक्शन देगा ना, तो उसमें लड़के को अलग क्या मिला? लड़के ने भी बहन को देनी है, बाप ने भी देनी है, बेटे ने भी बेटी को प्रोटेक्शन देने की बात है ना। एक बहन अपने भाई को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती? दे सकती है, लेकिन भाई पे भाई से तुम्हारे पास में गुंजाइश ही नहीं, इजाजत ही नहीं उसकी। भाई पे है ना आधी अकल, भाई को खास तौर पे ये कहा गया है कि वो तुम ये मान के चल रहे हैं कि भाई ये अच्छा बहन को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अरे कई बहनें ऐसी हैं जो कमाती है, पैसे वाली है, अक्ल वाली है, मैनेजमेंट अच्छा है, उनके भाई नल्ले घरों में बैठे हैं, बहनें उनको पाल रही है, ऐसी भी मिसालें हैं दुनिया में। बिल्कुल ठीक है, तो बहन भी दे सकती है प्रोटेक्शन, लेकिन इस्लाम ने जिम्मेदारी दी है। ये लिखा नहीं है ना भाई आपके पास, वो रेफरेंसेस जो है औरत को देना लिखा है, वो भी सिर्फ उससे शादी करके ही प्रोटेक्शन दिया जा सकता उसको, उसको और कोई तरीका नहीं है प्रोटेक्ट करने का आपके पास? मैंने यही बता रहा हूँ कि रेफरेंसेस तो मेरे पास की बंधवा के प्रोटेक्ट नहीं करना है आपने। हाँ जी हाँ जी, प्रोटेक्शन करना है उससे। अरे राइट प्रोटेक्शन राइट कैसे हो गया? प्रोटेक्शन राइट कैसे हुआ? प्रोटेक्शन राइट कैसे हो गया कि भाई पे भी जिम्मेदारी है कि वो बहन को प्रोटेक्शन दे? भी होगी ना, इक्वली होती है ना वो। नहीं लेकिन एक्सप्लिसिटली नहीं होता ये राइट नहीं होता। मैं समझाता हूं, ये राइट कभी नहीं हो सकता, ये रिस्पांसिबिलिटी हो सकती है, ये राइट नहीं हो सकता। रिस्पांसिबिलिटी का ले। हां जी हां, तो फिर राइट कहां हुआ? राइट बताइए। औरतों के हकूक का है अमित भाई, और एक एग्जांपल ऐसा भोंडा सा एग्जांपल दिए हैं अहमियत के साथ। इंसान किसी इंसान को अगर तीन लड़कियां हैं तो वो जन्नत चले जाएगा, मतलब उस इंसान को कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ तीन बेटियां पैदा करना भी उसका उसके हाथ में नहीं है ना। वो तो अगर किसी को तीन बेटियां पैदा हो गए उसको दुनिया में इम्तिहान ही नहीं लिया जाएगा, सीधा डायरेक्ट जन्नत चले जाएगा। कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यू मिल रही है। अच्छा, बेटी वालों को कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यू? अरे भाई वो उसको पता ही नहीं है ना कि वो बेटियां नहीं, इसमें राइट कहां है? अब लेकिन भाई मैं पूछता था, जिसका कोई मतलब नहीं बन रहा, कोई मतलब औरत को राइट क्या मिला? उस औरत को राइट क्या मिला? वो तो उसका मां-बाप का नाम। दो पॉइंट्स पढ़ लेता हूं, देखिए पहले पॉइंट मुकम्मल कर देते हैं। हां सुनो ना भाई, अरे मोमिन भाई सुनते नहीं यार। हां जी भाई, एक मिनट सुनो ना। देखो दो बातें आपने लिखवाई है, एक नंबर रहमत है, बेटियां रहमत है, ये आपने वुमेन राइट लिखवाया है, बेटियां रहमत है, नंबर एक हो गया। नंबर दो आपने लिखवाया तीन बेटियां अगर है तो जन्नत मिल गई डायरेक्ट टिकट, ये वुमेन राइट है कि ये? आप जरा सोच के बोलिए, जो दो चीजें आपने लिखाई ये वुमेन राइट्स हैं कि ये? मैंने तो अरे भाई जवाब देने देना, एक तो बोल रहा हूं के लिए राइट, मर्द के लिए ये राइट बन गया कि अगर तीन बेटियां पैदा हो गए तो वो जन्नत में चला गया, उसके लिए फायदा है वो मर्द के लिए। पहले वाला भी उसके लिए है क्योंकि वो रहमत उसके माँ बाप के लिए हो गई, और जन्नत में भी माँ बाप जा रहे हैं, लड़की को राइट क्या मिले? उसको सोसाइटी में जो आना जाना उसकी फ्रीडम, वो राइट होती है। हाँ इंटरेस्टिंग है, अल्लाह का इम्तिहान कितना भोंडा है देखिए आपका इल्ला, अल्लाह जो दुनिया में भेज के इम्तिहान लेता है वो कितना भोंडा है। तीन बेटियां पैदा करना कोई इंसान के उसके हाथ की बात नहीं है, अगर उसको पैदा हो गए तो उसको इम्तिहान ही नहीं लिया जाएगा, लिया जाएगा जन्नत के अंदर। हाँ जी, आप मुझे तीनों पैदा होने वाली बेटियों को कोई स्पेशल प्रिविलेज और ट्रीटमेंट नहीं है, उनके पैदा हो जाने से की जन्नत पक्की हो गई, बाप की जन्नत पक्की हुई लेकिन बेटियों की नहीं। अब्दुल भाई 30 सेकंड। हाँ जी अच्छा, आप लिस्ट में मुकम्मल करूँ कि ना करूँ? मोमिन भाई करो, मोमिन भाई मोहन भाई एक मिनट, पहला आपने गिनवाया रहमत, ठीक है जी जी, ये तो हुआ टाइटल, उसमें कोई फायदा तो कुछ नहीं, मतलब खाली बोल के रख दिया कि रहमत है। अच्छा दूसरा आपने गिनवाया, सुनिए हकूक की बात हो रही है यहाँ पर सिर्फ लेडीज की, दूसरा आपने गिनवाया कि तीन बच्ची हुई तो जन्नत नसीब, माँ बाप को जन्नत नसीब, बच्ची को क्या? अच्छा सुनो, चलो मान लेते हैं माँ बाप को जन्नत नसीब है, चलो किसी का तो फायदा घर में हुआ, हाँ चलो ये भी मान लेता हूँ। अब वो माँ बाप जो है उनमें से, माँ बाप में से दोनों, माँ या बाप दोनों या फिर दोनों में से कोई एक अगर 5 टाइम नमाजी नहीं रह जाता, अगर उसने कुफर कर लिया कुछ और, अगर उसने दीन छोड़ दिया तीन बेटी के बाद, अब वो जन्नत में जाएगा क्या?
अभी थर्ड क्या हुआ, थर्ड कौन सा था? दो ही हुए, प्रोटेक्शन। देखो प्रोटेक्शन में मजा देखो कैसा है। अब बोल रहे हैं कि भाई भाई की जिम्मेदारी और बाप की जिम्मेदारी है कि बच्ची को संभाले। अब वो तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी हुई कि दोनों बच्चों को संभाले। क्या वो बाप बेटे को प्रोटेक्ट नहीं करेगा? करेगा ना। तो प्रोटेक्शन तो जिम्मेदारी हुई पेरेंट्स की कि वो तो दोनों को बचाएगा ना। उसमें बहन को अलग से बचाने वाला कौन सा ये अलग हो गया। अच्छा पहले लिस्ट मुकम्मल करने दें फिर आप इसको वैल्यूएट कर ले। अभी तक तीनों खारिज है आपके। लाले लिस्ट तो मुकम्मल कर ले, खारिज बाद में करें। अच्छा वन साइडेड खारिज ना करें, पहले लिस्ट तो मुकम्मल करने दें। जी मोमिन भाई करिए। हां जी। अच्छा कितनी लंबी लिस्ट कितनी है आपकी? तो फिर आप ना मांगे फिर लिस्ट? नहीं नहीं, तो ऐसे है ना, डिस्कस करते हैं ना साथ साथ में। जो आपकी तीन डॉटर्स वाली है बहुत चल रहे हैं। अरे आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई है तीन डॉटर्स वाली, तो मैं इस पे एक बताना चाह रहा था, विद रेफरेंस बताऊंगा मैं। सही बुखारी है 304। तो ये कह रहे हैं कि एक मिनट सर, एक मिनट, मुझे 10 तक पहुंचा देने कम से कम। अच्छा 10 कर लीजिए, ठीक है। इससे पहले कोई 10 तक पहुंचाए डॉक्टर गर्ग, राइट को डिफाइन कर देंगे तो वो बहुत कहां से पहुंचेंगे भाई, क्योंकि ये राइट और अभी तक जीरो है। हाँ नहीं, ये वो वही कह रहा हूँ ना, करके करेंगे तो इजी रहेगा। जीरो हो गए अभी आप। अच्छा 10 तक तो जाने दे मुझे, जीरो तो आप सिंगल हैंडेड जीरो ना कर सकते आप। नहीं नहीं, मैंने जवाब दिया आप राइट। मैंने तो आपको तीन बेटियों की जन्नत उड़ गया, प्रोटेक्शन उड़ गया, तो अब आप चौथा और पांचवा नहीं बोल सकते। अब आप जो बोलेंगे वो पहला रहेगा सर। सिंगल हैंडेड नहीं ना उड़ा सकते आप। मैंने तो जवाब दिया ही नहीं अभी, आपने ना मुझे जवाब देने दिया। कैसा मसला है मालूम है क्या? एक आधा समझो अच्छा कम्युनिकेशन स्किल वाला रहा ना, तो कितना भी खेलते हुए सांप सीढ़ी में गया ना, वो 99 पे एक सांप बैठा हुआ रहता। देखो वो उसको निगला ना तो सर सांप निकल गया। पहली बात है आपके मोहम्मद साहब ने कहा जब जन्नत जाके आए थे, दोजख देख के आए थे, तो कहा वहां पर पूरी औरतें हैं दोजख के अंदर। अच्छा अब अच्छा, अब माइनस माइनस स्टार्ट कर ले। चले चले भाई लड़की तो एक मिनट, वो क्या पहला पॉइंट क्या था? मेरे को कुछ याद आया ना, इनकी वो आयत याद आ गई ना, जब मोहम्मद साहब नहाने गए थे, घर आ गए थे रास्ते से कोई काम जा रहे थे, तो अब तो उसको शैतान बोला था लड़की को, वो रहमत कैसे हो गई? ये तो कुरान से काटे जा रहे हैं। अच्छा ये हमारे साथ में एक अली भाई जुड़े हैं, अपना कमेंट दीजिए भाई। अली भाई, भाई मेरा कमेंट ये है, जो भाई ये कह रहे थे कि जिनके लड़कियां हुई, तीन लड़कियां हुई, वो जन्नत में जाएगा, बेशक इसमें कोई शक नहीं हो। फिर आपने इसके अंदर काउंटर किया था कि अगर जो आदमी ना गुनाह कर रहा है, कफार मतलब कुफार वाली हरकतें कर रहा है, ठीक है, शर्क कर रहा है, तो फिर क्या वो जन्नत में यार? देखा मेरा कहने का मतलब ये है, ये जैसे जो लोग ना मायूस हो जाते हैं, जैसे किसी की तीन लड़कियां हो गई, वो मायूस हो गया कि यार मेरी तो तीन लड़कियां हो गई, मेरे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई, तो अल्लाह ने वो एक उसे हिम्मत दी है कि नहीं नहीं घबराओ मत, ठीक है तुम्हारे बेटियां हुई है कोई मसला नहीं, जन्नत। अब रहा जो बंदा गुनाह कर रहा है वो कैसे जन्नत में जाएगा? देखा गुनाह तो सब करते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी जो सजा है ना वो तो आपको अदा करनी पड़ेगी ना। अब जैसे मिसाल पर मैंने कोई क्राइम करा, ठीक है, मैं दुनिया की चीजें, कोई मैंने बड़ा क्राइम करा या छोटा, तो उसकी सजा मिलेगी ना हिंदुस्तान के लॉ से? तो मुझे सजा मिलनी है, मिलेगी या नहीं आप बताएं? सजा लॉ से मिलेगी तो फिर कुरान से सजा मिलेगी। जी जी भाई, मैं कह रहा हूँ खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दे रहे हैं, मेरे मुंह पे आप ताला लगा देते हैं और फिर खुद ही बाय डिसीजन दे रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ पहले मुझे लिस्ट मुकम्मल करने दें, फिर उसके बाद मैं जवाब दूंगा। एक तो छह छह लोग छह छह बातें कर देते हैं बीच में। चले ठीक है, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, म्यूट कर लेता हूं। उसके बाद नेक्स्ट, आप पूरी कर लें। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट ये है कि जो जब शादी के सिलसिले में मियां बीवी के रिलेशनशिप में, मियां बीवी के रिलेशनशिप में मियां का काम है कि फाइनेंशियली सपोर्ट करे अपनी वाइफ को, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, ये जिम्मेदारी हस्बैंड की है। फिर उसके बाद ये है कि खास तौर पे ये कहा गया कि माँ के पांव तले जन्नत है। अच्छा ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, वो इस लिहाज से है कि खावन को भी ये समझाया जाता है कि माँ के पांव तले जन्नत है। मतलब ये है कि अपनी बीवी को खुश रखो, खुश रखोगे तो घर जो है जन्नत रहेगा और बच्चे खुश रहेंगे, हमारी तरबियत बच्चों की सही होगी
और ठीक है, ये एक ये पॉइंट। फिर ये है कि जब आपस में बहुत ऐसा लड़ाई हो जाए, सख्त किस्म की लड़ाई, तो उसमें खास तौर पे हस्बैंड को रिस्ट्रिक्ट करने का कहा गया है कि तुमने पागल नहीं होना, तुमने जो है तुमने कैसे कंट्रोल करना है, ज्यादा से ज्यादा तुमने उसको फिजिकली पकड़ के रोक सकते हो अगर बात बहुत आगे पहुंच जाए, लेकिन इतनी जोर से ना पकड़ना कि उसके उसकी उसके जो कलाइयों पे निशान पड़ी है, ठीक है। फिर हालांकि औरत को नहीं रोका, औरत को इस मामले में नहीं रोका, लेकिन बंदे को खासतौर पर रोका गया। फिर जो उसके ये है कि सबसे ज्यादा अहमियत, सबसे ज्यादा अहमियत जिस रोल को दिया गया है वो है माँ का रोल, जिससे पता ये चलता है कि घर की जो जो चलाने वाली घर की जो बादशाह है या क्वीन है वो माँ है, और बंदे ने भी उसके उससे बात समझ के घर चलाना है। क्योंकि बात इस्लाम बड़ी इंपॉर्टेंट ये करता है कि औरतें कुछ चीजों में औरतें अच्छी हैं, कुछ चीजों में मर्द अच्छे हैं, ठीक है। उस लिहाज से औरत को घर के मामलात में सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है, और सबसे रोल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो माँ का है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब एक बंदे ने पूछा कि मुझे किस को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माँ। उसने फिर पूछा, उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा माँ। फिर पूछा, उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा माँ। फिर जब चौथी दफा पूछा, फिर जाके बाप का कहा। तो सबसे ज्यादा अहमियत माँ के रोल को दी गई है। फिर जो है उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो जब शादी होती है तो उसमें जो हक महर है, आजकल के मुसलमान जो हैं वो हक महर के साथ बड़ी गेम खेलते हैं, थोड़ा हक महर रख देते हैं या क्या, लेकिन इस्लाम की खास तालीम है कि तुम एक अच्छा हक महर रखो, कि ताकि अगर कोई फॉर एग्जांपल सेपरेशन हो जाए तो औरत अपना गुजारा कर सके। और फिर ये भी है कि जो औरत को खुला का यानी कि तलाक का हक भी है, उसमें यह है कि जब अगर औरत तलाक लेना चाहती है तो खुला कहते हैं, वो सबसे पहले जो है वो जाएगा कोर्ट में। अगर औरत अपनी तलाक पे यानी कि खुला पे कायम रहती है तो उसको खुला हो गई होगा, यानी तलाक हो गई होगी। ये कितने हो गए तकरीबन 10-12 तो हो गए हैं। आप कोर्ट पे क्यों चले गए, संविधान कहां से आ गया? उसकी वजह यह है, कोर्ट पे जाने की वजह यह है। ऐसा आप जीत का झंडा मत गाड़ो ना यार, पहले सुनो तो सही बात। 10-12 हो गए बोल के आप दिल से बोल रहे, मैं तीनों पॉइंट कट करके बैठा आपके। चले मैं जवाब देता हूं, जीरो पे पहला पॉइंट लिखो, चलो 12 बोल दिए ना आपने उसमें से। हेलो अस्सलाम वालेकुम, चैट में मैं चैट में नंबर डाल रहा हूं, हदीसों के धड़ाधड़ खोलिए खोलिए, आप जो बोल रहे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा मत करो भाई, खैजानी भाई डाल रहा हूं नंबर के साथ डाल रहा हूं। नहीं, अरे यार हम अनपढ़ लोग हैं यार, कम पढ़े लिखे कम जानकार लोग हैं। अरे भाई करके बताओ बात हमको। नहीं मैं डाल रहा हूँ, हदीस क्या खा के सो रहा है क्या, हदीसों के नंबर डाल रहा हूँ मैं ताकि आपको आसानी हो। सुनो यार, दुनिया में जहाँ कहीं भी कुरान नहीं पहुंची, पूरे माओ को लग जाके रोड पे फेंक दिए लोग। वो बात नहीं है, नहीं आप बात कर रहे हो, कुरान आने से पहले 1400 साल पहले सब माओ को रोड पे फेंक दिए थे। कौन बोल रहे भाई, अभी मैं देखो चैट में जाके खोलो, नहीं बात क्या लाए भाई, इन्फोर्स कर रहे भाई। देखो इसको खाली में जो देखे उसको लाके बता रहे लोगों को, खाली बात बोलना अलग है, इसको इन्फोर्स करना अलग है अल्लाह की तरफ। अरे इन्फोर्स नहीं, वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, सब लोगों ने रोडों पे फेंक दिया माँ बाप को। नहीं फेंक सकते हैं उनको, कुछ भी गुनाह गिना नहीं होता, हम लोगों के पास जो ना हमको गुनाह बोल रहा हूँ ना, फेंक दिया, फेंक सकते पूरे कुरान पढ़ने के बाद समझ में आया। अरे भाई एक कानून एक हदीस कुरान पढ़ के समझ में आया कि माँ की रिस्पेक्ट करना है। अरे दारा भाई आप आज क्या हो गया, आपको सुनो, इन्फोर्स करना कोई भी चीज को बहुत बड़ी बात है, खाली मुंह से बोल दिया तो नहीं चलता। मैं दे रहा हूँ आपको, खोल सकता हूँ। अरे अभी दे रहा हूँ आपको, मजहब के बारे में मालूम ही नहीं है तो तुम क्या बोलोगे, मजहब के बारे में मालूम है किसी, कई हजारों साल पहले हिंदुस्तान में क्या कहा गया था नारियों के लिए, ठीक है यहाँ बात इस्लाम के बारे में, तो मैं दे रहा हूँ हदीसा, खोलते जाओ चैट में देखते जाओ, दड़ा दड़ दे रहा हूँ, ये हमारा जो है ना एक अनरिटन लॉ है, खोलो और जो है ना मैं आपको दे रहा हूँ। ये तरीका कहाँ सीखा है आप, मैं नंबर देते जाऊंगा, धड़ाधड़ खोलते जाओ, क्या तरीका है, बात करने का तरीका है? नहीं हमीद भाई, तेलंगाना भाई आप अगर हदीस लेकर आए हैं तो उसको अपने कंप्यूटर से स्क्रीन से हमको शेयर कीजिए, लिंक दिया बताइए, उसके बारे में पढ़िए, उसके बारे में समझाइए,
सॉरी फॉर दैट लैंग्वेज, मैं लिंक भी दिया मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैं जो है ना ये हदीसों के नंबर जो है ना चैट में डालता हूँ, आप खोलना चाह रहे तो खोल सकते हैं, सॉरी फॉर दैट लैंग्वेज, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो आपको मैं लिंक भी दिया, वो अच्छी लिंक है, उसमें जो है ना पूरे स्पेसिफिक नंबर के साथ। लिंक को भी छोड़ दीजिए, आप सादा लफ्जों में आप जो उसमें समझे, जिसमें इतनी गजब की अपील आपने महसूस करे कि आप उसको यहाँ लाकर कोट कर रहे और इतने तेजी से आपने वो बात को पेश किए, समझा दो ना चार जुमलों में यार हमको क्या है वो नंबर, क्यों दे रहे हैं आप, खोलेंगे उसको नंबर नहीं, आप फिर आप बोलते ना कि नंबर भी देना, ये फिर डॉक्टर गर्ग है तो वो नंबर चाहते ना, वो जो है ना हमेशा अगर आप इतने हदीसें पेश करेंगे तो मैं एक कुरान की आयत पेश करूंगा पूरे के पूरे नीचे गिर जाएंगे ढोड़ बोल के। नहीं आप भी करो, द बेस्ट ऑफ यू इज वन हु द बेस्ट ऑफ यू राइट बताओ, राइट बताओ, उसके साथ रेफरेंस दे दो, हम दे रहा हूं, वही तो दे रहा हूं ना, बोलिए बोलिए। The best, अभी दारा, the best of you is one who is best to his wife, narrated by Al-Timridi, 3895 Ibn Majah 1977. ये एक है, whoever takes second one, whoever takes of care of two girls until they reach adulthood. ऐसा नहीं भाई, अरे भाई एक नंबर आप पे रेफरेंस दे दिए ना, तो उसमें क्या है बोलो ना, बोला ना the best of you, क्या लिखा हुआ है जो अपने बीवी का, अरे बोलो ना भाई, अरे दारा भाई आप में से जो है ना वो बेहतर है जो है ना अपने बीवियों का जो है ना ख्याल रखेंगे, जो है ना आप अल्लाह ताला जो उनको बेस्ट ऑफ यू बोलेगा, आपकी जिम्मेदारी है ख्याल रखने की। कितनी खतरनाक बात और कितनी बड़ी मेरे हिसाब से तो गाली लिखी हुई औरतों को अपने बीवियों के अनेक वचन बीवियों में, अरे अब इसको तुम कोट कर रहे यार तेलंगाना भाई, अमीन भाई बीवियों का आप जो है ना ख्याल कीजिए, आप अच्छी बात है ना, किसी बीवियों का बोल रहे हो आप, हमारे लिए नहीं है ना भाई, मेरे एक ही है नहीं मुसलमानों के लिए है ना, आजाद सी बात है आपके, नहीं बीवी है बीवियों आप मर्द के ऊपर जिम्मेदारी है, मर्द मुसलमान हो, अच्छा ठीक है, आप जैसे तेलंगाना मुस्लिम है ना भाई, भी मुसलमान ही हूँ भाई, ठीक है, मेरे पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है एक मुस्लिम का, ठीक है आपके पास, हमारे नहीं ठीक है ठीक है, अच्छी बात है आप अभी भी हमारे साथ हैं, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो है ना ये जिम्मेदारी मर्द पे थोप दी गई है कि आप अपने जो है ना वाइफ का जो है ना ख्याल रखो, टू टेक केयर ऑफ वाइफ इज, ठीक है ठीक है, आपने एक इसे रेफरेंस क्या दिया आपने, नरेटेड बाय अल तिर्मिजी 3895, ठीक है, तो कुरान 4:34 जो बीवी को मारने की बात कहती है वो कैसे होगी फिर, चलेगी इसके साथ, वो इसमें केयर में आता है ना वो भी, नहीं आप गुस्सा दीजिए मुझे पता है आप इस मैच कुरान 4:34 का बता रहा हूँ मैं, कुरान की बात कर रहा हूँ, ठीक है वो है आपकी जगह, आपकी बात सही है, तो मैं इसीलिए बोला ये कितने भी हदें से ला लें अगर ये कुरान की आयत में लाऊंगा तो पूरे ढेर के साथ गिर जाएंगे नीचे, नहीं खुर, अभी मैं नहीं दारा भाई मैं कुरान की भी देने वाला हूँ, एक तो मैं कुरान की भी देने वाला हूँ, ये तो हदीसों का नहीं, आपने जो कहा अभी अभी कहा कि बीवी के अच्छे से ध्यान रखना है तो उसमें पिटाई भी आती है ना बीवी की, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कुरान के हिसाब से, ठीक है वो आप कुरान से लाएंगे वो अपनी जगह है, तो मैं थोड़े अरे वो सेम पॉइंट है ना वो, नहीं वो टकरा रही है यार, कुरान से लाएंगे बोलो तो आप ऐसा बोलो जैसा कुरान डॉक्टर गर्ग का है, हिंदुओं का कुरान रहता उसमें से लाएंगे आप, हम हदीसों के वाले हैं, नहीं नहीं कुरान से भी दूंगा मैं, कुरान से भी दूंगा मैं, थोड़ा अभी दे रहा हूँ, पहले तो मैं हदीस से शुरू किया, डॉक्टर गर्ग एक महिला को उसके साथ और 3 सौकनों को लाके बोल रहे हैं कि आप तीनों को बराबर देखने का हक दिया है, नहीं नहीं अगर एक वाइफ है तो एक को जो है ना देखो बराबर, अगर आपके एक से बढ़ के है तो और भी जो है ना, लिखा नहीं ना भाई, नहीं वो वही है लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है अपनी बीवियों को खुश रखो, हाँ बीवियों को जाहिर सी बात है अगर आपकी बीवियां हैं तो खुश रखो, बीवी नहीं है तो एक ही बीवी है तो एक बीवी को खुश रखो, आपके पास बकरी अगर है तो बकरियों को खुश रखो, लहसुन घास खिलाया करो उनको, खुद नहीं ओसा नहीं बकरी नहीं है भाई इंसान है ना वो, तो मैं ऐसी बात नहीं, आप ऐसा यही तो है आपकी और हमारी समझ में, फिर मैं जो है ना दूसरी भी जो है ना देता हूँ मैं, whoever takes care of two girls until they reach adulthood and he will come like this on the day of recession and he'll hold his fingers together, जो है ना narrated by Muslim 2631, अभी मैं दे रहा हूँ आप एक सेकंड इसको फिर से बताइए, थोड़ा स्लो से समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं, whoever take care of two girls until they reach adulthood, he and I will come like this on the day of recession and he held his fingers together and a prophet Muhammad held his finger peace be upon him together, narrated by Muslim, खोलिए ना आप, narrated by क्या कह क्या रहे हैं आप बता दीजिए हिंदी में बता दीजिए, ठीक है मैं जरा ये देखता हूँ इसका ये है,
and Islam honors women as daughters and encourages us to raise them well and educate them. Islam said that raising daughters will bring great reward. For example, the Prophet, peace be upon him, whoever takes care of two girls and they reach adulthood, and he will come like this on the day of resurrection, and he will hold these fingers together. Ibn Majah 3669 narrated. ये समझ तो बोलो ठीक है बोलो हिंदी में बोल दीजिए. हाँ जी हाँ मैं आप लोग समझ जाइए, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ. Whoever has three daughter and is a patient towards them, सुनो ना मतलब ये है कि वो दोनों अच्छा बताते हैं, वो दोनों उंगलियों को इकट्ठा रख के उन्होंने ये बताया कि हम दोनों इकट्ठे होंगे, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो जो बंदा जिसने अपनी दो बेटियों को बड़ी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करके अच्छी तरह पाला, एजुकेशन दी एडल्टहुड तक, वो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकट्ठे होंगे. हाँ सही है. Whoever has three daughters, दो या तीन, whoever has three daughters and a patient towards them, feeds them, gives them a drink and clothes them from the riches, they will be shielded from the fire of the day of recession. इबिन माजा की जो है ना ये. अच्छा अपने भाई मुस्लिम भाई ये और एक भी है, आप जो इनको बता दीजिए उर्दू में कि इस्लाम ऑनर्स वुमेन एंड सिस्टर्स एंड आंट्स. इस्लाम ऑनर्स वुमेन एंड सिस्टर्स एंड आंट्स. इस्लाम आंट्स इस्लाम इंजॉयस अपहोल्डिंग द टाइज ऑफ किनशिप एंड फॉरबिड्स. स्लो डाउन, आप बहुत सारे इकट्ठे कर रहे हैं. अभी आपने डॉटर का एग्जांपल दिया. अब डॉटर का एग्जांपल में कुरान में अल्लाह कहता है कि जो तुम्हें नहीं चाहिए वो तुम मुझे कैसे कह सकते हो, मतलब तुम्हें डॉटर नहीं चाहिए और तुम अल्लाह को कह रहे हो कि उसके डॉटर होंगी. तो आपने पहले वाइफ का एग्जाम्पल दिया, अभी डॉटर का. तो डॉटर का आप कुरान में डायरेक्टली अल्लाह कह रहे हैं कि भैया तुम्हें डॉटर्स नहीं चाहिए, तुम मेरे को कह रहे हो कि मेरे डॉटर्स होंगी. तो वहाँ डॉटर्स की आपकी ये भी क्लियर कट आ जाता है कुरान में, कितनी इज्जत मिल रही है एज ए डॉटर. ठीक है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे उसके कुरान के पता नहीं है. आप कोई जो है ना शायद ये हमारे मुसलमान भाई जो है ना आपको जवाब दे सकते हैं. कितनी खूबसूरत. अरे अरे नहीं कटा कुरान में जहाँ पहला कुरान कुरान पे है उसमें दोनों मानेंगे ही वो बात आई है. नहीं और मैं दूंगा नीचे कुरान पे भी जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कुरान पे भी जाऊंगा मैं. एक दो कुरान के भी जो है ना यहाँ पे है ये साइड पे वो भी दूंगा ताकि डॉक्टर जो है ना. तीसरा पॉइंट इस्लाम ऑनर्स वुमेन एंड सिस्टर्स एंड नॉन इस्लाम एंजॉय अपहोल्डिंग टाइज ऑफ किंगशिप फॉरबिड सर्विंग दोस टाइज इन मेनी टेक्स्ट पीस बी अपहोल्ड द किंगशिप नरेटेड बाय इब्न माजा. अच्छा ये अल्लाह में भी एग्जाल्टेड हूओवर अपहोल्ड्स आई विल सपोर्ट हूओवर ब्रेक्स. ये आप लोग खोलिए ना तो मेरे ख्याल से अच्छा समझ में आ जाएगा. इनको कहा जाता है कि आपको चाचे की ताए की ममेरी बहने फुफेरी बहने सब अलाउ कर दिया है, आपको मोहम्मद साहब को अलाउ कर दिया, तो ये रिस्पेक्ट हमें सिस्टर्स की भी पता लग जाती है कि कितनी रिस्पेक्ट सिस्टर्स को मिल रही है. तो ये भी कुरान में डायरेक्टली दिख गया है. नहीं नहीं वो तो स्पेशली जो है ना वो खाली सिर्फ प्रॉफिट्स की थी, जनरल पब्लिक को जो है ना वो तो नहीं थी ना प्रिविलेज. जनरल पब्लिक को मुस्लिम इस्लाम में कजन शादी अलाउड है कि नहीं है? हाँ कजन से अलाउड है ना. ठीक है फिर हो गया ना, आपकी सिस्टर की रिस्पेक्ट भी आ गई है इसमें. ठीक है आगे. नहीं सगी सिस्टर नहीं है ना, कजन से होती है ना शादी. अच्छा सखी सिस्टर की रिस्पेक्ट करनी है, कजन सिस्टर शादी कर सकते हो उससे, निकाह कर सकते हो. करते हैं ना हम लोग तो. वही तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है आपका पॉइंट आ गया कि कितना कितना वो है. और बाकी आपका जो अगेन सिस्टर्स का फिर वही दूसरी बात, वो भी उसमें आपका जो है कितना उसको हिस्सा मिलेगा जायदाद में इनहेरिटेंस का, उसमें भी इक्वल कितना लिखता है सिस्टर्स में, उसका भी पता लग गया कि कितना रिस्पेक्ट आता है नहीं आता है. ठीक है चलिए आगे. ठीक है आप लाइए इसका तोड़. ऑनरिंग पेरेंट्स इन द कुरान, all of that is mentioned in many texts of the Quran and Sunnah, prophet tradition, and Lord has decreed that you are worship none of but that you dutiful to if one of them of the ye jo hai na ye your quran jo hai na ayat hai 17.23 ha ye parents ki baat ho rahi hai ye and your lord has decreed that you are worship none but him and that you dutiful to your parents if you one of them both attain old age in your life say no to them a word of disrespect. जी अगर पेरेंट्स में ये भी कुरान में कहते हैं कि अगर पेरेंट्स अपना दीन छोड़ दें और जो भी है काफ कुफर पे चले जाएं तो उनके साथ क्या करना है वो भी दिख जाता है. तो खाली खाली पेरेंट्स ने सिर्फ क्योंकि आपका दीन छोड़ दिया वो सोचना छोड़ दिया तो उनके साथ क्या सलूक करना है ये भी पेरेंट्स की कितनी इज्जत है पता लग गया. पेरेंट्स की इज्जत तब तक जब तक कि वो मुसलमान रहेंगे इस्लाम में रहेंगे, छोड़ा तो गए खत्म. तो ये भी कुरान में दिया गया. ठीक है और किसकी इज्जत है? ठीक है अभी बोलता हूँ मैं.
तेलंगाना भाई व्यूअर्स को किसी को समझ नहीं आ रहा है, पता क्या आप नहीं, वो लिंक, लिंक खोलो ना, वो मैं भेजा हूँ। नहीं लिंक नहीं, आप उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दो थोड़ा धीरे। ये भाई हमारे जो दूसरे मुसलमान जो व्यूअर्स बोर हो रहे हैं ना, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा। नहीं सही है सही, मैं समझ रहा हूँ कि उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है। मैं जो ये सारी बातें हमारे गार्ग भाई की एक आयत से पूरी टूट जाएंगी, ये सब बातें आप अपनी इस्लाम में रहने तक ही है आपको आप अगर उसमें से कोई भी एक इस्लाम जहर गया पूरी टूट जाएंगे। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है सर, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है यार। इसके अंदर आप पूरे निकाल के फेंक देंगे बाहर से। आपको तो ये भी आप काफर की डेफिनेशन ही आप अपनी करेंगे अपने भाई। देखिए मुस्लिम भाई, इस्लाम ऑनर्स वुमेन एज वाइफ्स, ये सूरह निसा की 4.19 निकालिए, उसमें अच्छा है। डॉक्टर गर्ग को जो है ना वही कुरान में लपटा ले सकते अपन। हां बोलो क्या लिखा है। And देखिए, and the women have rights similar to those of their husbands over them, what is reasonable, but men have a degree of responsibility over them, and Allah Almighty all wise. Al-Baqarah 2.228. ये responsibility नहीं है, उसमें कहा गया है कि जो आदमी है उसको एक हक ऊपर है औरत के, फिर से उसको I argue you to treat women well, narrated by Al-Bukhari 33331, Muslim 1468. आइए यहाँ पे प्रोफेट ने कहा I argue you to treat well, नहीं मुसलमानों को मर्दों को कह रहे हैं नबी। ये जो अभी एक सेकंड आप पिछली वाली जो चले गए ना 228 की बात कर रहे हैं, वहां पे रिस्पांसिबिलिटी पहली बात उसमें नहीं है, वो अरेबिक में नहीं है, रिस्पांसिबिलिटी वर्ड ऐड किया गया। उसमें ये कहा जा रहा है कि जो मर्द हैं वो औरतों से ऊपर हैं, अबव हैं, ऑल्दो मेन हैव अ डिग्री अबव देम। वो रिस्पांसिबिलिटी जो लिखा है ना आपने वो ब्रैकेट्स में है, वो ब्रैकेट्स में ऊपर नहीं है, वो अरेबिक में नहीं आता है। तो उसमें इसमें जो आप प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं उसका उल्टा कह रहा है। वहां पे कहा जा रहा है कि जो हस्बैंड है, जो आदमी है, वो ऊपर है औरत से। बहुत सारे जो है मैं वही बता रहा हूँ, कुछ नीचे ऊपर नहीं पढ़ रहा हूँ। आप यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि आदमी जो है औरत से ऊपर है, 228 में यही लिखा हुआ है। वो है बहुत सारे, बहुत सारे प्रोफेशंस में आदमी जो है ना औरत से हटके। यहाँ प्रोफेशन क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, यहाँ कुछ नहीं ऐसा लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है उनको लार्जली। तो देखिए यहाँ पे वो सब एक्सप्लेनेशन नहीं है आपकी प्रोफेशंस में या इसमें, उसमें कहा है मेन हैव अ डिग्री अबव देम। हाँ ठीक है, नहीं मैं बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स में जो उसको अहदा दिया हुआ बड़ा होने का। हाँ बड़ा दिया हुआ है मर्द को, और आम जिंदगी में भी जो ना मर्द को जो है ना थोड़ी चीजें जो है ना उसको देते हैं जो है ना, जो औरत नहीं कर ठीक है नहीं कर सकती वो मर्द करता है, जो मर्द कर रही है करते सब कुछ करती औरत। कई भाई कई एडवांस कंट्रीज के जो है ना, कई एडवांस कंट्रीज के जो है ना एयरफोर्स में जो है ना वुमेन पायलट नहीं है। इंडिया में भी है, इंडिया में भी पायलट है, मगर वो आर्मी में भी है। आर्मी में भी सुनिए, वॉर में इस्तेमाल नहीं करते, वो दिखाने के लिए है बस, बताने के लिए। इंडियन आर्मी बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे खाली दिखाने के लिए। किसने बोला आपको? बस नहीं, अभी तक तो ऐसे ही हुआ कि जो है ना उनको जो है ना वॉर फ्रंट में इस्तेमाल नहीं किया। तो हुई कहाँ, किधर हुई वॉर? तो अभी बताइए ना, अगर इस्तेमाल किया गया तो वो खाली देखिए, वो देखो अब बताइए, अब पुलिस इनकाउंटर्स करने वाले कितने मर्द होते हैं जो है ना, कितने फीमेल होते हैं? मेरे ख्याल से एक या दो होंगे जो है ना, बताइए कोई फीमेल? नहीं मैं आ रहा हूँ फोर्स में, आ रहा हूँ ना फोर्स में, तो हूँ ना फोर्स में, तो हूँ ना आर्मी क्या पुलिस क्या, क्या प्रूव हो गया? बेटर कैसे हो गए? तो इकाया दुका है ना, इकाया दुका है ना, तो हर कोई तो किरण बेदी नहीं है। तो फिर आपकी तो बात गलत साबित होगी ना, इक्का दुक्का से भी साबित होती है ना गलत। देखिए लार्जली अल्लाह जो है ना मासस के बारे में बोलता है, वो फिर उसको अपर हैंड क्यों दे रहा है, उसको अपर हैंड क्यों दे रहा है? लार्जली की बात ओवरऑल नहीं है, ओवरऑल अपर हैंड नहीं है। चंद जगह चंद लाइफ के एस्पेक्ट्स में जो है ना मर्द आदमी को जो ना अपर हैंड है, थोड़े इसमें जो है ना औरतों को भी जो ऐसा लिखा ही नहीं हुआ, ऐसा लिखा नहीं हुआ। तो आम जिंदगी में तो ऐसे ही है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है। नहीं नहीं अच्छा ठीक है, अब अच्छा एक मिनट, ये राइट कहाँ से आ गया? मेरे को तो कोई भी इनमें राइट नहीं लग रहा, ये तो बेनिफिट्स हैं।
जो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैक्सिमम, एक ये बेनिफिट है। औरत क्या कर रही है, औरत को क्या फ्रीडम है इसमें? किसी चीज में भी औरत की फ्रीडम मुझे नहीं नजर आई। हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके दो तीन बेटियां हैं उसका बेनिफिट है, उसके माँ बाप को बेनिफिट है, जो पेरेंट्स हैं वो नबी के साथ सेम शेयर करेंगे, इसमें क्या है? मतलब कुछ भी नहीं है। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कुछ, मतलब एक भी वो मेरे को राइट नहीं नजर आया कि लड़की अपने हस्बैंड के इक्वल कुछ भी करे, या उसको कोई अथॉरिटी मिली हुई है, या अपने घर को देखे। ये होते हैं राइट्स, फ्रीडम कहाँ है इसकी? एक भी फ्रीडम वाली बात नहीं नजर आई। नहीं ये ठीक है, मैं आपको जो है ना औरतों के राइट्स भी जो है ना अभी मैं ढूंढ के देता हूँ। मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, तो शादी में तलाक नहीं दे सकती, खुला ले सकती है, और उसको हाँ, खुला ले लेती है ना खुला जो होता है डिमांड नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और एज अ राइट नहीं है। अगर वो कह दे कि खुला हो जाएगा, खुला नहीं होता है, हस्बैंड को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसकी मर्जी है। जबकि तलाक में अगर हस्बैंड ने तलाक देना है, वाइफ रिफ्यूज करती रहे चाहे कुछ भी करे, उसकी मैटर नहीं करती है, उसकी रजामंदी उसमें, वो वन साइडेड दे सकता है तलाक। तो ये इसमें बहुत क्लियर कट डिफरेंस है। पता नहीं खुला और तलाक को बार बार सब बराबर क्यों करने की कोशिश कर रहे हो आप, झूठ बोल के। नेवरदलेस नेवरदलेस जो है ना, औरत को तो औरत जो है ना डिवोर्स ले सकती है ना। अरे खुला डिवोर्स खुला ले नहीं सकती ना, खुला रिक्वेस्ट कर सकती है कि भाई दे दो। और अगर खुला उसमें भी देखिए क्या किया हुआ इस्लाम में, खुला में ये किया हुआ है कि अगर खुला वो रिक्वेस्ट करेगी तो उसके राइट्स चले जाते हैं। उसको डिसवेड किया हुआ है कि भैया मर्द है जो यूनिलेटरली ले सकता है, खुला तुम रिक्वेस्ट कर सकती हो लेकिन उसके मानने पे है। उसके बाद भी जैसे आपको मेहर होती है, मेहर दो टाइप की होती है, मेहर जो होती है उसका हिस्सा होता है, डेफर्ड मेहर होती है, इमीडिएट मिल जाती है। तो आपकी जो डेफर्ड मेहर होती है वो नहीं मिलेगी उसको अगर वो खुला रिक्वेस्ट करेगी और उसके मांगने पे, तो उसमें भी उसका राइट खींचा गया हुआ है। डॉक्टर साहब आप एंड रिजल्ट देखिए ना, डिवोर्स हो ही जाता है ना। अरे भाई उसकी मर्जी, भाई खुला उसकी मर्जी नहीं है ना, वो रिक्वेस्ट करेगी, हस्बैंड की मर्जी है। खुला सक्सेसफुली डिवोर्स में तब्दील हो ही जाता है, वो फोर्स करते हैं उनको जो है ना। ठीक है आप जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, ये जो है ना मेहर अगर मेहर मिलती है क्या, जो डेफर्ड मेहर होती है क्या खुला में मिलती है? वो ठीक है, वो मैं कह रहा हूँ, मगर जो है ना और औरत को जो नहीं देखिए वही है, वो दूसरे तरीके से जो ना वो औरत को आप तलाक डिवोर्स मिल ही जाता है अगर वो चाहे। मेंटेनेंस क्या औरत को मेंटेनेंस मिल सकती है इद्दत के पीरियड के बाद? नहीं मेंटेनेंस तो नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता, तो वही क्या राइट की बात कर रहे हैं आप, कहाँ राइट है? हर तरह राइट छीने जा रहे हैं। अगर उस अगर आदमी चाहिए यूनिलेटरली ले सकता है, औरत चाहिए रिक्वेस्ट कर सकती है, और अगर रिक्वेस्ट करेगी तो पहले उसको पता है कि भैया मेरे को जो मेहर बांधी गई थी बाकी मेहर नहीं मिलेगी। तो अगर रिक्वेस्ट करेगी तो पहले आपने मेहर का भी लगा दिया कि भाई ये रिक्वेस्ट ही ना करे, रिक्वेस्ट कर भी लिया तो भी उसकी मर्जी है कि देना दे। अच्छा ये मैं जनरली बोल देता हूँ, जो मुसलमान लड़की की शादी होती है तो वो फ्री है, मतलब प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए या निकाह में ना बोलने के लिए, तो ये हुआ ना राइट इस्लाम में? तो भाई कौन सा है? नहीं बोलेगी तो हाँ, नहीं बोलो हाँ बोलो नहीं बोलो उसको मतलब एक्सेप्ट मान लिया जी। नहीं 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 गलत गलत गलत, नो 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 भी बोल सकती है, नो भी बोल। मेहर क्या होती है? मेहर क्या होती है? नो ठीक है पहले एक बात है रे भाई, वो मेहर छोड़ नो भी बोल सकती है, मैंने देखा है शादी में बोल सकती है। ठीक है अच्छी बात है, वो सब कहीं हो सकता है, नहीं जा सकती वो कोई। आप क्यों? अरे भाई वो जब अरे बच्चियों के साथ शादी कर रहे हो उस पे वो क्या नो बोलेगा क्या यस करेगा? बच्चियों के साथ आपने अलाउ कर दिया और आप कह रहे हो बच्चा नो बोलेगा? एक छोटी बच्ची से शादी करवाने के लिए आप खड़ी कर दोगे 14-15 साल की बच्ची और फिर कह दो कि ये नो भी बोल सकती थी? तो इसके माँ बाप को प्रॉब्लम नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या आर्गुमेंट है आपका? नहीं डॉक्टर साहब, जो प्यूबर्टी जो आती है लड़कियों वही लड़की से तो शादी होती है ना। तो प्यूबर्टी 12-13-14 साल में आपके हिसाब से तो प्यूबर्टी का मतलब है कि मेंस्ट्रुएशन आ जाना। 12-13-11-14-15 कभी भी आ सकती है, वो मेंटली मैच्योर होगी क्या कि ना कहने के लिए? क्या बात कर रहे हो? खासकर इंडिया में जो है ना बिलो 18 ईयर जो है ना मुसलमान लड़कियों की शादी नहीं होती है इंडिया में 15 साल जो है लीगल है, इस्लामिक मुस्लिम इसमें लीगल है। प्रॉब्लम देखिए भाई, देखिए मुझे पता है ये लीगल है आप जो कह रहे हैं, मगर जो है ना नॉर्मली एज में शादी नहीं होती है उसको प्रॉब्लम होती है। मुझे नहीं पता, इस्लाम में तो बच्ची के साथ भी लीगल है, इंडिया में 15 साल तक लीगल है, इस्लाम में तो कई कम्युनिटीज को है ना डॉक्टर साहब, कई जो है। अरे मैं तो इस्लाम में तो कितनी भी एज की अलाउड है ना, अगर आपके हिसाब से हैज आ गया आपके हिसाब से उसके हिसाब से तो भैया अगर 11 साल नहीं प्रैक्टिस में जो है ना ऐसा नहीं है अबाउट 18 यार, प्रैक्टिस में कुछ भी हो इस्लाम ने अलाउ किया है ना कि आप बच्ची से शादी करो, और आप बच्ची को कह रहे हो कि वो कंसेंट को रिजेक्ट कर सकती है,
शी इज नॉट इवन मेंटली मैच्योर, शी डजंट नो मैरिज का कॉन्सेप्ट, नहीं पता उसको, और उसकी शादी आप निकाह करवा रहे हो और निकाह में कह रहे हो कि उसके पास राइट था रिजेक्ट करने का। ठीक है ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ये बहुत सारे ट्राइबल्स को भी जो है ना ये छोड़ दी गई है, अल्लाह उससे क्या है, ट्राइबल्स को दी गई उससे आपका वो सही हो जाता है क्या, आप जो कह रहे हैं ठीक है, पंजाबी इस्लाम जो है ना, जो बालिग लड़की है ना वो उसकी मर्जी होगी वो हाँ करेगी। और मैं बोल दूं, मैं इंडिया में बिल्कुल परसेंटेज कम है जो है ना, 40-50% जो है ना ये बहुत कम है, बुक में लिखा हुआ है मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो बालिग लड़की होगी उसकी मर्जी से शादी होगी। भाई आप जो बालिग कह रहे हैं, आप बालिग का मतलब डेफिनेशन अलग है ना इस्लाम में, बालिग का डेफिनेशन इस्लाम के हिसाब से तो भैया मेंसेस है, दैट इज नॉट बालिग एक्चुअली। डॉक्टर साहब शादी के बाद जो है ना हस्बैंड का, शादी के बाद हस्बैंड का नाम लगाना मैंडेटरी नहीं है, लड़की जो है ना बाप का नाम, मुस्लिम वाइफ जो है ना अपना बाप का नाम ही लगाती है, वेरस दूसरे कम्युनिटीज में देखा गया है कि जो है ना वो अपने हस्बैंड का नाम लगा देती है। नहीं, मतलब मैं राइट नहीं कह रहा हूँ, मैं राइट नहीं कह रहा हूँ, ये जो है ना मतलब अच्छी चीज लगाती है। नहीं मैंने, अरे भाई मैंने देखा हुआ है उसमें लगाती है मुसलमान लड़का, नहीं ठीक है, नहीं नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है, नाम तो सभी रख रही थी, आयशा भी रखती थी, उससे क्या फर्क पड़ा उनकी लाइफ में, क्या डिफरेंस है प्रैक्टिकल लाइफ में, नहीं कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है लाइफ में, क्या इंपैक्ट पड़ा, बहुत अच्छा है ना भाई। आप आपने अरे क्या प्रैक्टिकल लाइफ में उनको तलाक का, उनको क्या बराबर हक मिल गए क्या, उनको क्या वाइफ बीटिंग वाली वो आयत खत्म हो गई क्या, मतलब उसे प्रैक्टिकली क्या इंपैक्ट पड़ रहा है जो आप कह रहे हैं। भाई हदीसों में तो उसको ये कहा गया कि प्रॉफिट ने कहा कि जो ना आप मुझ में से नहीं है जो अपने रिस्ट्रिक्शन है, हदीसों में है कि जो रिस्ट्रिक्शंस भी है, क्या रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि जब लड़ाई बहुत ज्यादा आगे बढ़ी है तो तुमने कंट्रोल करना है, मर्द को कहा गया स्पेशली, औरत को नहीं कहा गया, क्या कहा गया है कि तुमने रिस्ट्रिक्ट करना है, ये अगर फिजिकल होने का खतरा है तो तुम ये उससे बचो, उसका तरीका यह है कि तुम पहले उसे बेड अलहदा कर लो, अच्छा खत्म करो उसे बेड अलहदा कर लो, फिर भी मामला हल ना हो तो तुम उसको फिजिकली पकड़ सकते हो, मसलन वो अगर कोई लड़ाई वाली सिचुएशन आ गई है तो उसके बाजू पकड़ सकते हो, लेकिन उसकी जोर से ना पकड़ो कि निशान पड़े। ये जितनी भी स्टोरी सुनाई है, ये जितनी भी स्टोरी सुनाई है, वो थोड़ी अकल चाहिए ना, पीटो है पीटो, मार सकते हो। हाँ जी सर मेरी बात सुने, बात जो है ना, अरे हमीद भाई पीटो बोल के कहीं को झूठे बातें कर रहा जी, कहां लिखे पीटो बोल के, अभी खोलते हैं कुरान, कोई बात नहीं, आप इनको सुनाई दो, अरे अरे प्रॉफिट की हदीस है, आप में से मेरे साथ मिसवाक से सहलात है क्या, नहीं ये पीटो बल के नहीं है, इस वक्त से मारो वो जाकिर नाइक बोले, लेकिन वो मार से तो बोल नहीं रहा है, सर करो बात सुन रहे हैं, मैं अपना पीटो वाला लफ्ज वापस लेता हूं, मारो है मारो, आखिरी बात बोल दी, एक मिनट बात ये है कि देखें जब एक वर्ड यूज होता है ना फिजिकल होना, ठीक है फिजिकल होना से मुराद मारना भी होता है, उससे मुराद हल्की सी थपकी देना भी होता है, उससे मुराद किसी का बाजू पकड़ना भी होता है, इसके मल्टीपल मायने होते हैं, जब अंडरस्टैंड करें कि जब वो आयत का आप कॉन्टेक्स्ट देखें, वो सिचुएशन ये बता रहा है कि लड़ाई वाली सिचुएशन है, उसमें वो हर तरह से कुरान रोकने की कोशिश कर रहा है कि मार कुटाई और ऐसा कोई मसला ना हो, वो हर तरह से कोशिश कर रहा है, तो एंड में वो कह देगा कि मारना शुरू कर दो, ये तो अजीब इलॉजिकल आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना भाई, अंडरस्टैंडिंग जो लिखा है वो लिखा हुआ है ना, आप अंडरस्टैंडिंग कहां से ला रहे हैं, वर्ड को समझना, देखे ना मैं बार बार कह रहा हूँ, मारना भी होता है, किसी को रोकना भी होता है, फिजिकली रोकना भी होता है उसका मतलब, किसी को थपकी देना भी होता है, किसी को मजाक में हल्का सा टच करना भी का मतलब भी होता है उस वर्ड से, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग कि कौन से अप्लाई होता है बेस्ड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। अच्छा तो मारना भी अलाउड है ना कॉन्टेक्स्ट में, नहीं अलाउड ना, अगर मारना लिखा हुआ है जब मैं क्या करूँ इसमें, अल्लाह ताला हस्बैंड को समझा रहा है कि रोको अपने आप को, और एंड में वो कहते हैं मारना शुरू कर दो, अजीब कहां लिखा है रोको, कहां ये इस आयत में रोको कहां लिखा है कि रोको, यहां से स्टार्ट हो रही है कि जब सरकशी, यानी कि जब औरत और मर्द के दरमियान सरकशी से मुराद है कि औरत मर्द की नहीं सुन रही और मर्द को गुस्सा चढ़ रहा है कि मेरी नहीं सुन रही, ठीक है अब वहां पे लड़ाई वाली सिचुएशन होते होते बढ़ती जाती है, ठीक है एक मिनट, जब मर्द का दिल करे, वहां पे वो बढ़ती जाती है, तो वो उसमें वहां पे उसको कहता है, बार बार कहता है कि अल्लाह ताला कि पहले बात करना बंद कर दो, वो फिर बेड लदा कर लो, एंड वो सारी चीजों से रोकते रोकते एंड में कह देगा मारना शुरू कर दो, जिस चीज से रोकने के लिए सारी चीजें समझा रहा है, एंड में वो आके कह देगा मारना शुरू कर दो, मुझे नहीं पता यार क्या कहना शुरू कर देगा, जो लिखा है उसका बताइए ना, फिजिकल एंड में उस वक्त हो रोकने के लिए, अगर अगर बेड लादा से भी बात नहीं बन रही
अगर अगर जो है बात बंद चुप हो जाने से, खामोशी से और बात ना करने से भी बात नहीं बन रही, बेड लैदा करने से भी बात नहीं बन रही, तो फिजिकली तुम उसको रोको, यानी कि बाजू से पकड़ के उसे समझाओ, औरत मारने पे आ जाए तो उसको यहाँ या मारने वाला तो औरत का मारने वाला नहीं है यहाँ पे ना, इसमें को अंडरस्टैंड करके ही समझ आएगी ना बात। तो ये तो यहाँ लिखा ही नहीं हुआ जो आप समझा रहे हैं, इसमें तो कुछ और लिखा हुआ है। तो मैं तो यही तो बता रहा हूँ कि वो वर्ड का मतलब ही मल्टीपल मायने हैं, वो मल्टीपल मतलब है, फिजिकली रोकना भी उसका मतलब निकलता है, उसका मतलब मारना भी निकलता है, उसका मतलब मजाक से थपकी देना भी निकलता है, उसका बाजू पकड़ना भी निकलता है। अच्छा, तो ये जो आपके और फिर उसके बाद जो अहदीस है वो फर्दर उसको एक्सप्लेन करती है इस बात को, और दूसरी आयात कुरान मजीद की बार बार इसको एक्सप्लेन करती है कि तुमने बीवी के साथ तुमने जो पेश आना है, तुमने उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आना है, उसको खुश रखना है। तो उसमें अब अगर एक और बंदा औरत को ऐसा मारेगा तो खुश तो नहीं रहेगी। अब उसके बाद नेक्स्ट आयत में लिखा हुआ है कि अगर वो मान जाए, अब आप मारेंगे तो कोई औरत मानेगी, वो तो और अब आपकी दुश्मन बन जाएगी। नहीं तो फिर मारने का पदरी भूनना क्या होता है? वही तो कह रहा हूँ, यहाँ पे अप्लाई मतलब हो रहा है कि फिजिकली तुम उसको बाजू से पकड़ के रोक लो, मैक्सिमम बाजू से पकड़ के रोक लो, ये मतलब है इसका। रोकना, हाँ रोकना है कि अगर वो मारने पे आए, अगर वो मारने पे आए, अच्छा पहले अगर आपकी बात नहीं सुनती है तो पहले आपको समझाना है और बेड अलग करना है, और फिर अगर वो मारती है तो उसको पकड़ना है। ये कहाँ लिखा कहाँ है ये पूरे की पूरी स्टोरी आपकी? ये जो अगर उसने मारती है ये आपकी कहाँ से करेंगे तो फिर ही समझ आएगी ना। अरे भैया जो आप मतलब जो आप जो आप बनाते हैं वो बनाएं, ठीक है भैया। कैंडल पहले सुनो आपकी आप जो कबूतरे उड़ा रहे हो, आप अपनी ना जो आपके जो आपकी जो है ना जो आपके मौलाना जो उसकी आप मुझे प्रूफ दिखा दें, ये एक्सप्लेनेशन आप छोड़िए हम बाकी सबकी, आप जो क्या कहते हैं आपका जो है ना सेक्ट उसकी दिखा दें, ये वाली एक्सप्लेनेशन 434 निकाल के वो दिखाएं, हम वो पढ़ लेंगे। लेकिन इसमें पहली बात सुनिए, इसमें पहली बात तो फर्स्ट सेकंड कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है? ये ब्रैकेट में है फर्स्ट वाला, इफ दे परसिस्ट ये भी ब्रैकेट में है, बट इफ दे स्टिल परसिस्ट ये ब्रैकेट में है। तो यहाँ पे पहले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब ब्रैकेटें डाल के डाली हुई है। इसमें सिंपल लिखा है कि भैया अगर आपकी नहीं बात सुनती समझाइए, बेड अलायदा कीजिए और मारिए, इतना ही लिखा है। बाकी इसमें जेंटली भी ब्रैकेट में है, फर्स्ट भी ब्रैकेट में है, इफ दे परसिस्ट भी ब्रैकेट में है, बट इफ दे स्टिल परसिस्ट भी ब्रैकेट में है। आपको वेबसाइट भेज दूंगा, उसको पढ़े आपको सारा। नहीं, मेरे को क्यों भेजें अभी यहाँ पे दें सारा दिन? अरे अभी सारे कॉन्टेक्स्ट समझेंगे तो आप जो मर्जी बनाते रहे, आप जो मर्जी बनाते रहे। क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका 434 का? मैंने तो आपको लॉजिकली समझाया है, आप उसको समझना। कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि कोई लड़की मार रही थी अपने हस्बैंड को और उसके लिए कहा गया कि हाथ से पकड़ के रोकना, ऐसे लिखा हुआ होगा। वो रोकने की कोशिश कर रहा है, एंड में कहेगा कि तुम मारना शुरू कर दो, ये रोकना कहां लॉजिकल ना, ये बात ही लॉजिकल है। और उसके बाद फौरन बात करेंगे कि मारो तो मान जाएगी। गर्ग साहब मारो लिखा है क्या वहाँ? फद्री बोलना स्ट्राइक दम लिखा है बिल्कुल, मुझे एक बात बताएं, इंग्लिश में वर्ड फिजिकल होना से मुराद मारना भी हो सकता है, किसी को पकड़ना भी हो सकता है, किसी को थपकी देना भी हो सकता है। देखो मैं ये बार बार आपको समझा रहा हूँ, और इस कॉन्टेक्स्ट में आप अंडरस्टैंड करें कि क्या अप्लाई होगा यहाँ पे, क्या अप्लाई होगा आपका कौन सा आलिम आप खोलिए ना वो एक सेकंड, आपकी कौन सी है वो अली डॉट कौन सी अली आपका कुछ है ना वेबसाइट में? खोलता हूँ आपकी वेबसाइट से ही पढ़ते हैं, छोड़िए आपका देखते हैं आपके आलिम क्या समझाते हैं। चलिए आप आगे बताइए स्टोरी जो बता रहे हैं। मैं आपको वेबसाइट भेज सकता हूँ, नहीं है मेरे पास वेबसाइट आपकी, मुझे पता है अली इस्लाम है ना आपकी? हाँ जी, अहमदिया की अली इस्लाम है ना आपका? एक मिनट, अरे अली इस्लाम डॉट ओआरजी है आपका क्या? अहमदियों की वेबसाइट पता नहीं, नई बोलना का स्टोरी जो भी लिखे ना के कैन मैन भी फिजिकल करके ना आगे लिख दे अहमदिया। अरे कैन मैन फिजिकल के छोड़िए, मैं सीधा कुरान देखता हूँ आपके क्या स्टोरी सुनाते हैं उसमें, स्टोरी पढ़ता हूँ मैं आपकी, कोई बात नहीं। अहमदिया बाकी बात करते जाइए, हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप बात करते जाइए बाकी, ठीक है आपकी कहानी पढ़ लूंगा वहाँ से आपकी गप। कहानी नहीं, लॉजिक लॉजिक सर लॉजिक। अरे लॉजिक और यहाँ कुरान में लॉजिक और कुरान की बात ना कीजिए। द रीजन व्हाई आई एम टेकिंग दिस मीनिंग, अरे रीजन इज देयर इज नो व्हाट इज द रीजन, रीजन इज कि भैया आदमी को एक ऊपर है हक है, उसको ज्यादा हक है, आदमी जो है ऊपर है औरत से, आदमी जो है पहले अगर उसकी बात ना माने तो आदमी उसको समझाए फिर और बैटल करे और मारे। सर्टेन केसेस में और सर्टेन केसेस में कुछ नहीं लिखा हुआ ना ऐसा, औरत ऊपर है, सर्टेन केसेस में मर्द ऊपर है। कौन से केसेस में औरत ऊपर है? सही कह रहे भाई अहमदिया भाई, आप सही कह रहे हैं, गो अहेड गो अहेड, आप एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा। जैसे 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 जब मां को जैसे माँ का कहा गया है कि सबसे ज्यादा अहमियत माँ के रोल को दी गई है, तीन गुना ज्यादा बाप से ज्यादा दी गई है, वहां पे फिर आप कहें कि जो मर्द को बराबर हक नहीं दिया यार। क्या रोल है माँ का ऊपर, क्या रोल है माँ को एक्स्ट्रा वो मिलता है क्या? मार्केट चलाने वाली माँ है,
बच्चों को चलाने वाली बनाने वाली माँ है, और मर्द के लिए मर्द को लिए बड़ी इंपॉर्टेंस है कि वो औरत को इंपॉर्टेंस दे घर के मामलात में, इसलिए खास तौर पे लिखा हुआ है कि माँ के पांव तले जन्नत है। जन्नत में माँ के पांव में हुए घूम रही हैं क्या, या फ्रूट घूम रहे हैं क्या है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। हाँ, तो खुश रखो उसको, खुश रखो बीवी को, क्यों, क्योंकि क्योंकि घर जन्नत बनेगा। और दूसरी बात है कि वो मैनेजमेंट में बेहतर है, घर की मैनेजमेंट बेहतर है, चार चार, अच्छा बाहर नौकरी करने में बेहतर नहीं है वो, घर पे बुरके में बांध के उसको घर के बाहर ना निकलना, ना महरम के, महरम और ना महरम का डिफरेंशिएशन करके घर के अंदर बुरके के अंदर बंद करके, वो है उसकी सारी इंपॉर्टेंस, आप क्या कह रहे हैं। और एक बात सर्टनली अंडरस्टैंड करें कि जब भी दो इंसान इन्वॉल्व होते हैं ना, एक बंदे को एक सर्टेन रोल में एक बंदे का किरदार वो कहते हैं द एंड पॉइंट, और उसे क्या कहते हैं द फाइनल आंसर, मतलब एक ही जिम्मेदारी होती है कि वो उसका फाइनल रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो है। हर मामलात में किसी केस में औरत है, किसी केस में मर्द है, अगर दोनों को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो आपस में लड़ते ही रहेंगे, मसला हाल ही ना हो। इसलिए लड़की को घर के अंदर रखा गया है, बाहर नहीं डालना है ना, ठीक है ना, ये कह रहे हैं। क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है, सेवाग जब मारता है तो टेंडुलकर नहीं मारता, टेंडुलकर जब मारता है तो सेवाग नहीं मारता, बहुत कम होता है दोनों भी मारते हैं। तो ये इनमें से लड़की कौन है, इनमें से लड़की कौन है और लड़का कौन है, क्या तेंदुलकर सहवाग कैसे आगे, क्या बात कर रहे हैं यार, एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या एग्जांपल दे रहे हो, मतलब फीमेल मेल क्या है यार, सुनो तो सब बात हो रही है, दोनों एक साथ नहीं चल सकते, एक मतलब दोनों को बेसिकली इस्लाम में कहा गया है कि जो फीमेल है वो घर में रहेगी, बुरके में बंद रहेगी, चार लेके आ सकते हो, उसको तलाक दे सकते हो, उसको इनहेरिटेंस में हक आधा मिलेगा, उसको मार सकते हो, और बाहर का जो आपको गुस्सा आ रहा है, आप ही तो समझा रहे हो अभी, नहीं नहीं मेरा एजेंडा कैसे, अभी तो समझाया उन्होंने कि रोल है, डिफरेंट रोल है उसका, घर में रहने का, उसको जो अहमदिया भाई बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, औरत का मैनेजमेंट जो है ना, घर का मैनेजमेंट जो है ना, औरत के हाथ पे, औरत अच्छा मैनेज करती है, तो अल्लाह ताला तेलंगाना भाई की बात सही है, जैसे कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, बराबर है ना, बराबर है, वो तो बाप जन्नत का दरवाजा है, हाँ जन्नत का दरवाजा है। अब देखो वो माँ अगर ऊंट पे बैठी है ना, और उसके खासम को अगर मन हुआ मामला करने का, तो उसको उसी समय उतरना है। अरे यार तुम भी यार, तुम वहां क्यों जा रहे हो, माँ और बाप का मामला है, वहां नहीं जाने का, वो नहीं, वो माँ है ना, वो तब भी माँ है ना, ऊंट पे बैठी तब भी। अरे यार वो जो है ना, वो जो जिद्दी बीवियां जो होती है ना, उनको अल्लाह कह रहा है कि मैं अपने, अच्छा अच्छा उसमें कंडीशन अप्लाई भी है, बात समझो यार, तुम लोग जो है ना मुसलमान वो थोड़े थोड़े लेडीज होते हैं जो कॉपरेट नहीं करते हस्बैंड के साथ, तो उनके लिए वो सबके लिए नहीं है यार, वो जो है ना ताकि वो जो रिलेशनशिप ना टूट जाए, तो उससे उसकी वजह से ऐसा अल्लाह ताला नहीं, अगर नहीं नहीं अगर अगर बीवी को बंदा मारेगा तो अगर अल्लाह ताला कहेगा ना कि औरत को मारो, औरत को मारो नहीं है तो रिश्ता कायम नहीं रहेगा, ये फिर भाई ये समझते नहीं है भाई ये लोग जो है ना, भाई रिश्ता जब आपने हर चीज का जो है औरत की नीति को देखिए आप, नहीं है तो हाँ तो वो यार मन नहीं है तो भी कर थोड़ा मन बनाओ, नहीं है तो आपका रिश्ता बचेगा ना, लड़ाई तो बचेगा ना, हुआ ना डोमिनेशन या मन नहीं है, मन तो किसका होता है, मन दुनिया में होता है आपका, जो है ना आपका टीचर आपको मार के पढ़ाता नहीं है, टीचर चलो पढ़ो होमवर्क करो, स्टूडेंट का मन होता है, मन किसका होता है यार, तुम्हारा मन होता है ड्यूटी जाने के लिए, तुम्हारा बॉस जब तक तुमको कड़ाई नहीं करे यार, थोड़ा समझो यार, थोड़ा समझा करो बातों, क्या समझ लो बातों को, बोलिए आप बोलिए, कहाँ चले गए, तो बात ऐसी होती है ना। हाँ जी, हाँ जी, आप क्या बोलना था, आप बोलिए, आप जो कह रहे थे ना, मैं आपको सेकंड करूंगा, आप जो एक्सप्लेन कर रहे थे ना, एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ, मुस्लिम मन क्या होता है, क्यों हर टाइम मन करता है, जब मर्जी मर्द का दिल करे, और औरत मना नहीं कर सकती, नहीं देखिए तो रेप हो गया ना, ये तो औरत का रेप हो गया ना, क्यों जबरदस्ती, उसी कुर्सी में पकड़ेगा, देखिए कई रूलिंग आए कि जो ना अभी इंडिया जो ना उतना आगे नहीं बढ़ा है मैरिटल रेप की, जो है ना खाली रिश्ते लालच देंगे सारी रात उसको औरत को, सुनो भाई ये जिद्दी लालच देंगे या नहीं देंगे, जिद्दी जिसने मना कर दिया जबरदस्ती है क्या, जब अगर औरत का मन नहीं कर जबरदस्ती है क्या, आप मैरिड हो तो आपको नहीं लगा आपके लाइफ में कभी आपकी बीवी ने आपके साथ कुछ ऐसा, तो ये यही तो अंडरस्टैंडिंग, इसको अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, ये जिद्दी नहीं बोलते, अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, वो रोटी पका लिया जो भी उठ के करे, आपके घर में होता होगा ऐसा, फिर मैं आपको तो यही बोलूँ ना, मैं नहीं देखिए बात समझिए, वो कोई भी जरूरी काम कर रही है, कोई जरूरी काम कर रही है, वो अपना काम छोड़े, और मेरा मन कर रहा है, मैं बाहर से घूम फिर के आऊँ ना नबी की तरह, तो मैं अभी करना है तो करना है, पंजाबी भाई छोड़े,
पंजाबी भाई चीज को बोलते हैं अब्दुल जी भाई आप उल्टा मतलब निकाल रहे, ये उनके लिए है जो 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 आपस में मियां बीवी का रिश्ता ना टूट जाए, गर्मा गर्म बहस उनके लिए है, ये मान लिया ना, ये बात उनके लिए है, ये मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड है, नहीं नहीं डोमिनेट कर रहा है उसको, सुनिए सुनिए उसको डोमिनेट कर रहा है, नहीं नहीं डोमिनेट नहीं है ये भाई, पंजाबी समझिए बात को, ये आप रिश्ता बड़ा नाजुक होता है, कभी जो ना मर्द कैसे नाजुक है, सिर्फ औरत की तरह से ही नाजुक है, मर्द की तरह से नहीं है, वो नहीं समझ भाई, मर्द को ही तो समझाया गया रिसेट होने का, फिर क्या अगर औरत नहीं मानेगी तो फरिश्ते सारी रात उसको बदुआएं देंगे, नहीं नहीं अगर औरत नहीं मानेगी तो औरत को फरिश्ते सारी रात लानत देंगे, वो औरतों को क्योंकि वो औरतों को थोड़ा डरा रहा है अल्लाह के जो है ना, क्यों डर रहा है क्योंकि वो मैरिज टूट ना जाए, मैरिज आगे जाके टूट ना जाए और उसका ये लगा सा हो जाए, इस बात से लड़ाई टूट जाए, अगर औरत ने मना कर दिया, अरे तो दोनों को डर, अगर औरत ने मना कर दिया तो लड़ाई टूट जाएगी, सर मर्द को डरा दे कि तू नहीं मान, उसको अगर उसका मन नहीं कर रहा तो मना मत मत कर, नहीं अगर मर्द को डराए ना कि अगर औरत ने मना कर दिया तो मत कर, ये क्या था मर्द की नफसियत, ये क्या था क्योंकि मल्ला अर्ध, क्योंकि मल्ला अल्लाह मर्द है ना, अल्लाह मर्द है इसलिए जानता है ना, नहीं नहीं अर्ध मर्द औरत की भी जानता है, उसीलिए औरत को डरा रहा है, नहीं नहीं अरे बात समझो, औरत औरत कोऑपरेट करे मर्द नहीं करेगा, तेलंगाना भाई मर्द कोऑपरेट नहीं करेगा, औरत करेगी ना, यही बात हो गई, नहीं 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 ये मैरिज बचा रहा है अल्लाह दोनों की इस तरीके से, अरे तो मर्द को हटा देना फिर, मर्द को समझा दे भाई वो ठीक नहीं है, नहीं अगर समझदार होता तो करता है, वो नाइन्थ मंथ में प्रेग्नेंट हो, उठनी पे बैठी हो तो भी वो मना नहीं कर सकती, उसको करना पड़ेगा, नहीं ये अल्लाह ताला आपको जो ये है वो नहीं, पंजाबी भाई गलत देख रहे चीजों को, मर्द को समझाए नहीं नहीं यहाँ पे नहीं नहीं ये रिश्ता बचाने के लिए, मैरिज बचाने के लिए, मैं गलत नहीं, मर्द को समझा दो, मर्द को समझा दो, समझ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं लॉजिकल बात ही नहीं है, कोई लॉजिक ही है, औरत नाइन्थ मंथ प्रेग्नेंट औरत ऊंटनी पे बैठी है, जा रही है डिलीवरी करवाने, मर्द का दिल कराया और उसको ऊंटनी से उतर के नीचे उसके साथ करना पड़ेगा, नहीं तो रिश्ते सारी रात लाने देंगे, यही बात है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप जो है ना, ये जो है ना ये बात सही नहीं है, ये अल्लाह ताला जो है ना दोनों की मैरिज को बचा रहा है कि आगे बात ना बढ़ जाए, जो है मर्द को समझा दो, मैं अरे समझने वाला होता तो मर्द की नफसियत सारी बातों में जो आपने नाइन्थ जो जैसे छह सात पॉइंट लिखे हैं इसमें मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी यही नजर आई है या गिफ्ट नजर आए हैं वो भी पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द की बार बार, हाँ तो फिर इसमें औरत को क्या मिला, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को दे दी, पेरेंट्स को गिफ्ट मिल गए, देखे पेरेंट्स को गिफ्ट मिल गए, जहां तक कहा गया है कि अगर इलॉजिकल बात एक्सपेक्ट ना करो कि लॉजिकल डिस्कशन से अपनी बीवी का ज़हन जो खराब करोगे, क्योंकि खातून एक नाजुक मिजाज है, उसका ख्याल रखो, बहुत ज्यादा उसे घिस घिस करके बातें ना करो, वो जो है जो जो मर्द आपस में बातें करते हैं उसका एक्सपेक्ट ना करो कि तुम औरत अपनी औरत को आप खुद समझोगे या अल्लाह समझेगा, अपनी वाइफ को आप समझोगे, हर हर औरत सेम नहीं होती, हर औरत सेम नहीं होती, आपको अल्लाह समझा रहा है, खुद नहीं पता आपको, संदीप भाई कितना अच्छा अल्लाह समझा रहा है, समझने की कोशिश कीजिए भाई, समझ कितना अच्छा औरत की ना, कुछ गलत नहीं समझा रहा है आपकी जो है ना, सारी औरतों की डेफिनेशन अल्लाह एक्सप्लेन कर रहा है, राइट, आपको अपनी औरत का नहीं पता, अल्लाह को पता है, यही हो गया ना, सब अल्लाह औरत मर्द को सब जानता, कितनी अच्छी तरीके से जो है ना ये जो है ना इस्लाम रिलीजन फॉर द मास, नहीं नहीं समझ, आप नहीं समझ रहे, आपको जो है ना अल्लाह की पूरी बातें सही है, अपनी हर किसी की पर्सनल लाइफ में आप भी सोचते होंगे, आप घर पीछे जाके सोचते होंगे कि अल्लाह ने सही किया था कि जो ना औरत को बोला था कि जो ना आप अगर मेरे साथ ये जो है ना प्यार नहीं करोगे तो लाने, तो कहीं आपकी जिंदगी, हम सबकी जिंदगी में ऐसा ऐसा वक्त आता है ना, तो मतलब ऐसा होता है, हमको फील आता है कि जो है ना, तो ये कितना जो है ना प्रैक्टिकल लगा है, देखिए ये आपकी सोच है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ, तो आप उसको सोच, आपने अपने उसको सोच बना लिया, लेकिन आप औरत को समझोगे नहीं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाओगे, आप उसको मौका नहीं दोगे, आप उसको छोड़ोगे नहीं, आपका दिल कर रहा है तो आप रेप करोगे, राइट, कभी कभी नहीं, गलत बात है, गलत रेप जो हो गया, अगर उसका कंसेंट नहीं है, वो डर के मारे करेगी तो रेप है, नहीं नहीं जबरदस्ती करोगे तो रेप है, नहीं नहीं डर के मारे ऐसा नहीं है, जो उनके लिए है जो कॉर्पोरेट नहीं करते, नहीं देखो ठीक कह रहे हैं, देखो संदीप भाई आप फालतू का लड़ रहे हो, तेलंगाना भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर कॉपरेट नहीं करेगी तो मैं जबरदस्ती करेगा, और देखो ये दूसरी बात भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर देखिए समझ थी उनको, अल्फा मेल की समझ थी, अल्फा मेल की अंडरस्टैंडिंग क्या है कि औरत को दबा के रखने का है, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार शादी कर सकते हैं, निकाल कर सकते हैं, अगर नहीं मानेगी तो उठा के आप तलाक 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 बोला चाहे दो महीना तीन महीना डबिया निकाल सकते हैं, एकदम पूरा राइट है आपको, एकदम ऑर्डर करोगे सेक्स मिलेगा, ऑर्डर करोगे घर से बाहर, एक है सर के ऊपर तलवार
क्या टकरी, दूसरी ले आऊंगा, दूसरी है, तीसरी ले आऊंगा, चौथी ले आऊंगा, उठा के बाहर फेंक दूंगा, ठीक है, पिटाई भी कर सकता हूँ, अल्फा में भी कर सकता हूँ यार, ऐसा नहीं होता ये, अरे होता नहीं होता, मुझे नहीं पता यार, ये लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ, लिखा हुआ ये, आप जबरदस्ती बोल रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बोल रहे अल्लाह ताला जो है ना उन दोनों को जो है ना आपस में लाने के लिए, उनकी जिंदगी बचाने के लिए, कोई गुस्से में मर्द उल्टा पुलटा काम ना करे, औरत को बोल रहा है अल्लाह ताला, ऐसा क्या औरत को बोल रहा है कि देखो अगर बात नहीं सुनेगी तो ना हस्बैंड थोड़ा है, थोड़ा सा समझाएगा और बेड अलग कर लेगा और थोड़ी सी पिटाई कर देगा, तो देख लो समझ जाओ, यही कह रहे ना अल्लाह ताला, वो मान लिया मैंने आपकी बात, नहीं अल्लाह ताला जो भी करा है जो है ना औरत के ताल्लुक से बिल्कुल सही करा है, कि जो है ना उससे जो है ना आप ये करो, आपकी लॉन्ग रन में मैरिज बचती है, आपकी लाइफ बचती है, तो कभी मूड तो कह रहा हूँ ना मैं, थोड़ा मूड पे लगा लगा देते हो कभी कभी, तो ठीक है ना, हम सब मैरिड है तो आपको नहीं, हम सब मैरिड है, हम भी तो गुजरे होंगे ना ये दौर से जो है ना, अगर तो मैं अग्री कर रहा हूँ ना आपसे, मैं कह तो रहा हूँ कभी कभी लगा देना बनता है, तो अल्लाह ने अलाउ कर दिया है उसको, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग थी अल्लाह को, तो क्या इशू है, ये अल्फाज सही नहीं है, मतलब वो अल्लाह ताला आगे आगे की दिख रहा है, आगे जाके इन तीनों में, उन दिनों में, इन दोनों में आगे जाके और कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, आपस में तल्लाक ना हो जाए, अलग ना हो जाए, तो इससे तो थोड़ा बहुत ये है कि थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिए, वही कह रहा हूँ, थोड़ा अल्फा मेल टाइप फील है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल अल्फा मेल वाला, थोड़ा आपको राइट्स एक्स्ट्रा दिए हुआ ना कि आप दबा के रखो चुपचाप, अगर कोई छोटे नुकसान से आपकी जिंदगी बच सकती है तो क्या मुश्किल है, छोटा नुकसान है, ठीक है ठीक है, नहीं नहीं अरे आप क्यों डिसएग्री कर रहे हो संदीप भाई, बिल्कुल तेलंगाना मुस्लिम सही बात कह रहे हैं ना, अच्छी बात कह रहे हैं, देखो वो कह रहे हैं कि थोड़ा मारना पीटना चलता है, ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं, जैसे वो नहीं होता है मैकडॉनल्ड्स जाते हैं ना, ड्राइव थ्रू होता है ना, कि आपने एक जगह ऑर्डर दिया, सेकंड जगह डिलीवर हो जाता है ना, तो सेक्स ऑन ऑर्डर है ये, सेक्स ऑन मतलब डिमांड, ये रेगुलर पैटर्न नहीं होता, ये कभी कभी होता है किसी के साथ, तो कभी कभी होता होगा है ना, कभी कभी मान लिया, अरे कभी कभी मान लिया, कभी 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 मेरे दिल में ख्याल आता है, यही है बस, कभी कभी, वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन अलाउड तो है, आपको पता है सब सही है, फिर भी आप जो है ना बोलते, मैं तो अग्री कर रहा हूँ आपसे बिल्कुल, मतलब आप बिल्कुल कह रहे हो, ऊंट पे भी बैठे हो तो भैया, हाँ ऊंट पे बैठा हो तो भी बिल्कुल, कभी 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 ऊंट पे बैठा है तो कैसा, आप सोचिए कितना प्रैक्टिकल है, ऊंट पे बैठा कौन करेगा, तो ये अरे मुझे क्या पता यार, आपकी हदीस कह रही है, नहीं तो आपको सोचना चाहिए ना, आपको ऐसा जो है ना, ऊंट पे बैठ के कौन करेगा, क्या बोल रहे हो, यार बोलने का मतलब ये है, करना जरूरी है, मतलब है जरूरी नहीं, नहीं 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 जरूरी नहीं है, अब बोलना ये है कि आप आगे आपके मर्द को इतनी आग लगी है कि उसकी बीवी 9th मंथ प्रेग्नेंट है, वो नहीं छोड़ेगा, जबकि अल्लाह मेरे ख्याल से मैसेज पढ़ रहा हूँ, ये बंदे ने ये मैसेज लिखा है, ये झूठ नहीं, ये लिखा हुआ है, मैं बता दूंगा कहाँ पे, ये कौन सी हदीस है, क्या आप कहाँ से मनगढ़ंत ला रहे हैं, आपको मौका मिला जो है ना आप लपटे मिले, अरे ये तो आपके टीवी पे भी आया था, इसके ऊपर बहुत वो झगड़ा हुआ था, ये तो टीवी पे भी आई थी आयत के बारे में, पता नहीं मैं तो ये नहीं, मगर अलबत्ता हाँ, ये औरत के ऊपर जो नहीं नहीं ये तो मुझे 9th मंथ का नहीं पता, मगर ये जो कह रहे हैं ये जो है ना ये लॉन्ग रिलेशनशिप लास्टिंग कैसा होना चाहिए, तो अल्लाह ताला अगर ऐसा कह रहा है तो क्या मुश्किल है, अगर आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है आप बड़े नुकसान से तो क्या मुश्किल है, आप समझो ना, अच्छा मेहर क्या होती है, मेहर क्या होती है, अरे भाई मुझे यार मेहर मजदूरी बोलते हैं, आपको पता है मेहर को मजदूरी बोलते हैं, मेहनताना मेहनताना, मुझे पता भी नहीं था, लड़की को शादी से पहले मेहनताना दिया जाता है, देते हो ना मेहर, वो मेहनताना होता है, ठीक है, किस चीज का मेहनताना, तेलंगाना भाई, रिस्पेक्ट हो रही है, प्रॉपर्टी में इक्वल राइट है क्या, मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी में इक्वल राइट नहीं है, किसको, लड़के को कम है क्या, लड़की को कम है, अच्छा अच्छा ओ ये भी एक हुकूक है, लड़की को कम है मगर देना तो पड़ता है, वो बेहतर है ना, नहीं, कम वो, कम क्यों है वो पता है क्या, कम क्यों नहीं है? जो नहीं देने वालों से तो देना बेहतर है ना, कुछ तो कुछ देना बेहतर है ना, कई कम्युनिटीज में तो देते नहीं है, ये तो आप ऐसे बोल, नहीं ये तो ऐसा नहीं, कई कम्युनिटीज में तो देते, मैं तो नहीं देने वाला था, मैं तो नहीं देने वाला था, इतना भी दिया बहुत है, मैं ये पूछ रहा हूँ कम क्यों है, कम है भाई, कई कम्युनिटीज में तो कुछ देते भी नहीं है, कन्यादान करके भगा देते हैं, तो जो है ना शादी नहीं करते, ये बैसाखी पे मत जाइए ना, बैसाखी पे कहाँ जा रहे हैं, सब कभी कभी देना पड़ता है, ये तेलंगाना साहब अच्छी बात कर रहे हैं, देखिए ये इनका एक्सक्यूज उसमें भी रहता है ना कि देखिए अगर अब हस्बैंड को मार दिया वॉर में तो उनको लौंडियां लेना ज्यादा अच्छा है ना, ऐसे छोड़ देना थोड़ी अच्छा होता है, लौंडियां लेके थोड़ा उन पर ध्यान रखना, बता दीजिए लौंडियां कहाँ पे, ध्यान रखते हैं ना लौंडियों का, उनको अच्छा अच्छा काम कराना, लौंडियों के पीछे पड़े हुए दो साल, मैं थोड़ी पढ़ा है रे, क्या बात कर रहे हैं, आपकी कुरान में है, मैं कहां लौंडियों के पीछे पड़े हुए, आप तो आपको तो पूरा चारा आपका पूरा लौंडियों से चलता है,
जो है ना मेरा क्या चलेगा भाई, कुरान में जो लिखा है सो लिखा है ना, लिखा जो लिखा है वो मारिया किपिया जो थी ना, मेरा उसमें क्या रोल है बताइए ना। नहीं, आपका रोल नहीं है, थी सही है वो, जबकि बात थी खत्म हो गई, बस उतना ही। खत्म कहाँ हो गए भाई, कहाँ है वो भटके लिखा हुआ आज तक पढ़ रहे हैं, कौन कर रहे हैं लिखा हुआ आज तक पढ़ रहे हैं, भटके मुसलमान मिल गया आपने, मारिया किपिया देखिए यार, खत्म हो गया, खत्म हो गया ना, जब भी खत्म हो गया ना, आप कहाँ पे है सब सफिया देख लो, सफिया देख लो, अरे कहाँ पे आपका जैसा सती ये सती खत्म हो गया और वो चाइल्ड मैरिज खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, कहाँ खत्म हुआ, अरे कुरान में जो लिखा है वो खत्म कैसे हो जाएगा यार, क्या बात कर रहे हो, कौन कर रहा है डॉक्टर साहब बताइए ना, कौन कर रहा है, आईसीस आज भी कर तो रहा है, बोको हराम कर तो रहा है, बेच रहा है बच्चियों को लाके सेक्स स्लेव बना रहा है, क्या बात कर रहे हो, नहीं रहा है भटके, वो भटके हुए लोग है ना, वो तो कर रहे कैसे भटके हुए, सुन्नत फॉलो कर रहे हैं तो भटके कैसे हो गए डॉक्टर साहब, मेन स्ट्रीम मुसलमान ये सब नहीं करता, ये भटके, मेन स्ट्रीम मुसलमान क्या होता है, यहाँ से बिकती नहीं कि बच्चियां छोटी छोटी, वो खत्म हो गया क्या आज की डेट में, मेन स्ट्रीम हम मुसलमान जो हमारी तरह है ये सब चीज फॉलो नहीं करते, मेन स्ट्रीम मुसलमान क्या होता है जो कुरान में नहीं मानता है, नहीं मेन स्ट्रीम मुसलमान जो सही कुरान समझता है, सही कौन सा, आपने रिजेक्शन तो दिखाया नहीं, वहाँ तो लिखा हुआ है ना आपको अलाउड है लेना, अरे जब था ना भाई वो खत्म हो गया, कहाँ लिखा है वहाँ पे, आपको आपके पास कोई यार आपकी सती की तराई था, ठीक है आप भी सो गए, मुझे लगता है डॉक्टर मीरा भी सो गया, मैं भी चलता हूँ, बहुत देर होगी, आप करिए इनसे थोड़ा और, नहीं 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 स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू, तो क्या हटा दो ना, तब जो तब की बातें हैं अब क्यों चल रही हैं, फिर हटा दो, मैं ही कह रहा हूं, नहीं सकती बात उस पे प्रैक्टिस, तो फिर अगर हट नहीं सकती तो रुक कैसे सकती है, रुक गई संदीप भाई, आपको पता नहीं है रुक गई है ना बात, क्या क्या कैसे बातें कर रहे हो संदीप भाई, मेरे पास क्या लौंडी है, क्या बात कर रहे हो संदीप भाई, लड़ाई पे जाओगे तो रख लोगे ना, किसका नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, जो उस वक्त की बात ही संदीप भाई, बात को समझो, अब आप लोग सती कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, खत्म हो गया तो आपका बोको हराम वगैरह लोग करते हैं अभी, ये अपने इधर तो नहीं होता वो सब, लेकिन बोको हराम वगैरह जो करते हैं वो तेलंगाना भाई उनको कुफर मानते हो, काफिर हो वो, गलत कर रहे हैं भाई, हम नहीं मान, वो सब मेन स्ट्रीम मुसलमान उनसे मुत्तफिक नहीं है, एग्री नहीं है, डिसएग्रीमेंट काफिर है ना, वो जिना करे ना, वो शिर्क करे ना, शिर्क जो भी है भाई वो मतलब मेन स्ट्रीम मुसलमान नहीं बोलेंगे क्या, नहीं जो जिना कर रहे हैं गुनाह है, हाँ फिर तो क्या, वो भटके हुए हैं, भटके हुए अल्लाह ताला उनको रास्ते पे लाए, आपको ना मेन शादी के बगैर प्रैक्टिस कर सकते, तेलंगाना भाई आप गलत बोल रहे हो, भटके हुए हैं वो, कुरान पढ़ के ये सब कर रहे हैं, नहीं 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 हम पढ़े हुए कर रहे हैं, वो भटके, वो कैसे भटक गए, हम चल रहे हैं कुरान, जो 100% कुरान को फॉलो कर रहा है वो भटका, वो कैसे हो सकता है, नहीं 100% नहीं बोल पा रहे ना, वो नहीं 100% हम लोग कर रहे हैं, वो तो भटके हुए, नहीं नहीं आप वो कर रहे हो जो समाज में ठीक है, आपको लगता है कि ये समाज के लिए ठीक है, आप वो कर रहे हो, आप बुक नहीं, पूरा नहीं फॉलो कर रहे हो, आपको लगता है कि आज ये चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं, तो आपने छोड़ दिया, मेजोरिटी कर रहे हैं एसपी भाई, मेजोरिटी, अरे मेजोरिटी मुस्लिम अच्छे हैं, आप अच्छे हो ना, तभी तो आप नहीं कर रहे हो, यही तो कह रहा हूँ मैं, तो हम जो कर रहे हैं ना, हम सही मुसलमान है, वो जो है वो भटके हुए इंसान हो, आप सही इंसान हो, नहीं मैं सही मुस्लिम नहीं हो, सही मुसलमान हो, वो भटके हुए, तो सुनिए बात समझिए, आप बोलिए, आपने अहमदिया भाई आप भी कुछ बोलिए जरा इन लोगों को सपोर्ट ले रहे हो, हाँ भी तो चाहिए ना, आप लोग इतने क्या अब्दुल भाई सो गए क्या, अरे अब्दुल भाई को बुलाइए ना पहले, डॉक्टर मीरा जी आप है क्या लाइन पे, जी जी मैं हूँ यहाँ पे, जी 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 बोलिए भाई, संदीप भाई बोलिए जी, आप बोलिए भाई, हम तो कब से बोल रहे हैं, अब्दुल हमीद भाई रात काफी हो चुकी है, मेरे को नींद आ रही है, अब हम एंड करेंगे, क्लोजिंग कमेंट्स लेते हैं, और मैं संदीप पंजाबी भाई को मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि वो बहुत सेंसिबली बात करते हैं और तमीज़ के दायरे में रहते हैं, कभी एग्रेसिव नहीं होते, ठीक है उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी है फिर मेरा भी है, हम जो है ना अलग अलग सोच है हमारे, हाँ हमारी अलग अलग सोच बहुत अच्छा अच्छा तमीज़ से बात, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं आप जो है ना आपको मैं बहुत पसंद करता हूँ, नाइस स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू, और थैंक यू खैजानी भाई सपोर्ट करने के लिए, आई एम ऑलवेज विथ यू to defend Islam and Muslims, है? क्या यार ये तो खूबसूरती है हमारे प्लेटफॉर्म की, एक मुसलमान कादियानी भाई को कितने प्यार से विश कर रहा है यार, यही तो हम चाहते हैं यार, थैंक यू, तो अब्दुल भाई डिफेंड तो मुस्लिम को मैं भी करूंगा, इस्लाम को नहीं करूंगा, मुस्लिम को तो मैं भी करूंगा, तो मुसलमान तो वही हुआ ना इस्लाम को फॉलो करने वाला, मुसलमान कहां से आ गया जब इस्लाम नहीं रहा, नहीं नहीं अच्छे मुसलमान बन जाओ ना,
जैसे तो आप लौंडिया वाले मुस्लिम नहीं हो ना, 100% वाले कई कोई भी नहीं है ऐसा पंजाबी भाई, कोई भी लौंडी वाले नहीं है अभी वो भटके हुए 100% जो 100% फॉलो करते हैं नहीं है, आप लोग बोलते हैं ना, आप लोगों को तो ऐसा हमारी बात लंबी हो जाएगी। हाँ ठीक है, गुड नाइट, नाइस स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गुड नाइट, ओके ओके, बाय बाय, शब्बा खैर। जी भाई क्लोजिंग कमेंट्स दीजिए अपने भाई मोमिन भाई। हाँ जी, एक बस क्लोजिंग कमेंट तो मैंने कमेंट्स तो दे दिया, एक चीज और थी कि जो लोंडी और गुलाम की बात है ना, वो एक्चुअली प्रिजनर्स ऑफ वॉर उस जमाने में जब जेल सिस्टम नहीं था। अब अगर जेल सिस्टम है तो अब अगर वॉर होती है, अगर जेल सिस्टम है तो इट डजंट अप्लाई। मारिया अलखुतिया कौन थी भाई? जब जेल सिस्टम नहीं था तो उनका और उनके कोई लवाई थी? क्या कौन थी भाई? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब जेल सिस्टम नहीं था तो तब प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रखने के लिए डिफरेंट लोगों की निगरानी में रखे जाते थे, अगर उनके कोई लवाहिकीन नहीं है, स्पेशली खवातीन के लिए। कौन से जंग में आई वो अब डिटेल जो है वो मेरे सामने सुगर नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल एक बात बता रहा हूँ। आज इसलिए अप्लाई नहीं होगा कि अगर वॉर हुई तो आपके पास जेल सिस्टम है, सारा सिस्टम है, उस वक्त नहीं था। वो कैदी इज अ बेटर वर्ड, जो कैदी आते थे मर्द कैदी, खासतौर पर मर्द कैदी जो आते थे जिनको गुलाम कहा जाता था, उनको तो यहाँ तक कहा गया कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाएं और इस पे आपको आजादी मिल जाएगी। लेकिन बेसिक औरतों को भी डिफरेंट ड्यूटीज थी, लेकिन उनमें ये है कि अगर उनके लवाहिकी नहीं है तो फिर एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर लोगों की निगरानी में दिया जाता था, उसमें वो डिफरेंट काम करती थी, जो भी ड्यूटीज वो जो भी एज ए लेकिन उनके साथ अच्छा सलूक करने की इम्पोर्टेंस दी गई है कैदियों के साथ। अच्छे सलूक की वजह से ही, अच्छे सलूक की वजह से ही हजरत सफिया ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी में हामी भरी थी। बहरहाल ये मेरा आखिरी कमेंट था। मैं ठीक है, ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत टाइम देने का, शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू, दाफ़ भाई, गुड नाइट, गुड नाइट मोमिन, दाफ़ जाते रहिए भाई। जी भाई प्रेम भाई, ये नहीं कर पाए लोग, अब्दुल भाई दिखा आपने? हाँ नहीं तो नहीं लिखा है ना वो आज भी। मैं तारीख डाल देता हूँ, टॉपिक डाल देता हूँ, स्ट्रीम का टाइम लिख देता हूँ, किसके साथ बात हुई और उसके पॉइंट्स नहीं लिखा, ये कागज लिख के और रजिस्टर ऐसे ही भर रहा मेरा। अच्छा भाई, मतलब आज तक कभी नबी की तो कोई नबी के पॉइंट्स नहीं मिले, आज इनके हक नहीं मिले, कुछ नहीं मिला अभी तक, आपका पेपर खाली जा रहे हैं। कुछ नहीं, रजिस्टर भर गया लेकिन लिखा हुआ नहीं है उसमें कुछ, खाली टाइटल डेट ये चीज लिखे हुए, पॉइंट्स है ही नहीं, औरत को कोई हक है ही नहीं, और मतलब वो जन्नत वाला या कुछ भी है वो तो एक लालच है सभी के, और लालचों के साथ तो कोई राइट्स थोड़ी ना होते। एक भी राइट नहीं बता पाए वकास भाई, इतनी उम्मीद थी कि पढ़े लिखे इंसान ही बताएंगे। सिर्फ स्टोरी मीरा दीदी, सिर्फ स्टोरी। जब रिबटल किया हमने तो बस यही बताते रहे कि वो आपका अकीदा है, वो आपकी मानना है, आपका इंटरप्रिटेशन है, बस यही बोलते रहे। और ज्यादा जोर दिया तो कहते सारे हकूक हैं, सारे। हाँ। वो सारे में से एक भी नहीं बता पाए, इतने सारे थे वो। और अभी तो स्कोर 0 है हमिद भाई के पास। हाँ। मतलब हिंदुइज्म में शुरू ही औरत की पूजा से होती है, देवी मान के वो सती प्रथा वगैरह, देखो सती प्रथा वगैरह, सती प्रथा तो अरे वो कैसा कारण क्या थे उसके पीछे, कारण था वो, अरे वो लाशों से भी बलात्कार वाला सीन था, अभी क्या ही बोलूं। हां यही रीजन, और जिसका पति मर जाता था उसकी जो बेवा होती थी उसकी इज्जत की कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी, तो साथ में जल जा तू भी, ये वाला सीन उस जमाने में चला था, तो उसको वो थोड़ा लंबा कंटिन्यू हो गया, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने कंडेम किया ना। हां हां, ये लौंडिया का रीजन था इनके, वहां से चला होगा तो सती प्रथा बनी। ये लौंडिया उसका रीजन देखो ना क्या था, जौहर फिर। हां हां, जौहर से तो सती बना, तो वो एक जौहर इकट्ठी करती थी, सती एक जलती थी। हाँ एग्जैक्टली, सही है। कुछ भी नहीं मिला आज तक, नबी की क्वालिटीज नहीं मिली, विमेन के राइट्स नहीं मिले, और विमेन को इस्लाम में लाने के लिए सबसे पहले उनको यही बताया जाता है कि जितने हकूक इस्लाम में विमेन को दिए गए हैं और कहीं नहीं है, बार बार हमें ये सुनने को मिलता है, लेकिन बताने को इनके पास एक भी नहीं है, एक भी राइट नहीं है।
ये कितनी विडंबना है। तो दो चीजें होती है ना डॉक्टर मीना, वो एक तो शांति का वो देता है, दर्श देता है को ये इस्लाम शांति का धर्म है, दीन है, और ये एक औरतों के हक, ये सबसे पहले सबसे दोनों चीजें बहुत कहते हैं सब बकवास। और तीसरा सब लोग बराबर हैं। अब सब लोग बराबर हैं तो इतने फिरके क्यों होते हैं, अहमदियों के साथ वो सलूक क्यों होता है जो होता है पड़ोस के देश में, ये मतलब झूठ और सिर्फ झूठ। और इनकी हिम्मत देखिए, झूठ को भी दफा करने के लिए बार बार आते हैं यहाँ पे, और ना आए तो बेचारे जाएं कहाँ, फिर इनको आखिरी दिखाई देती है कि अगर हमने इसका दफा नहीं करा तो हमें आग में जलना पड़ेगा फॉर ऑल टाइम टू कम। और जब औरतों के हकूक की बात हो रही थी, एक बात मेंशन करना मैं भूल गई थी कि इनकी तो इबादत भी आधी गिनी जाती है। अच्छा, ये आपको पता थी संदीप भाई ऐसा नहीं, इनकी नहीं, इबादत ये नहीं बता। जी, इबादत इसलिए आधी गिनी जाती है क्योंकि जब इनको हैज आता है उस समय अगर ये कोई प्रेयर नहीं कर सकती, अगर वो प्रेयर करेंगे उस समय तो इनकी इबादत नहीं गिनी जाएगी। तो क्योंकि इनको हैज आता है इनकी इबादत भी आधी है। और ये बकायदा बताया गया है कि जन्नत में औरतों की तादाद इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये इबादत नहीं कर पाई। अब सोचिए क्या मसला है, एक प्रैक्टिकल चीज है जो अल्लाह ने इनको दी है ताकि वो माँ बन सके, पर्पस तो यही है ना हैज का। तो तीन, एक तीन, तो जी सॉरी मैं कह रहा था तीन लड़कियां पैदा करने पर जन्नत पहुंच जाएगी। क्या बकवास है, तीन औरतें तीन लड़कियां करने पे जन्नत पहुंच जाएंगे, ये लॉजिक दिया ना। चलो अगर अगर समझो अगर समझो मान लो कि ये कहीं लिखा भी है और ये सच भी है, तो मैं तो ये बोलता हूँ ना कि इसमें तो माँ बाप का फायदा हो रहा है, तो उस तीनों बेटियों का क्या भाई। देखो गिनवा रहे औरत के हुकूक, लेकिन ये बता रहे कि औरत के होने से हमें क्या फायदा, बराबर ना। अच्छा दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज देखो, प्रॉपर्टी में बंटवारा आधा आधा नहीं नहीं अच्छा अकल, हाँ अकल तो आधी ठीक है। फिर वो ऊंट वाला किस्सा देखो कितना खतरनाक लगता है। अभी वो तेलंगाना बोलते बोलते मेरा, माफ कीजिए मैं थोड़ा फिल्टर करने की ट्राई करूंगा शब्दों को, अभी वो तेलंगाना जी जो है वो क्या बोले बताए, बोला देखो ऊंट से नीचे उतरने को बोला, कितना लॉजिकल है। मतलब मन करेगा तो ये ऊपर चढ़े, उससे अच्छा नीचे उतरने को तो बोला है ना, तो देखो कितनी लॉजिकल बात है। मतलब करना सर कंसेंट और औरत को आजू बाजू में है ही नहीं, उनके पास वो कंसेंट का बटन ही नहीं है। तलाक के लिए रिक्वेस्ट करना है, तलाक के लिए भी तुमको रिक्वेस्ट करना है ठीक है। खुला ले ये बोल रहे खुला ले खुला ले, वो बीच में कोर्ट को घुसा रहे। अब कोर्ट को ही जो घुसाना, जब जब फंस जाओगे तो संविधान को डालोगे, बाकी तुम्हारी किताब अव्वल है ना, जब फंसोगे तो संविधान लेकिन किताब अव्वल है तब तक। हाँ इनके लिए तो दोनों चलते हैं ना, सिर्फ औरतों के लिए शरिया चलता है और इनके लिए दोनों लॉ चलते हैं। हाँ। मर्दों के लिए वैसे भी सती प्रथा तो राजा राम मोहन राय ने ही फेमस करी थी, अदरवाइज इसका कोई प्रूफ तो है ही नहीं हमारी बुक्स में या मतलब हमारे देखिए किसी चीज में भी। हाँ, नहीं, नहीं, नहीं मैं इसका हिस्ट्री थोड़ा बहुत जानता हूँ, ज्यादा तो नहीं, लेकिन इसका हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा बैन किया था उसके 100 साल पहले आखिरी सती हुई थी। हाँ तो वो तो उसने अंग्रेजों के कहने पे किया था ना। हाँ तो इट वाज ऑलरेडी बैन, अगर आखिरी सती किया था। हाँ एग्जैक्टली जी। ये एक सेकेंड, ये अब्बास आगा जी आए हैं, हम क्लोजिंग के टाइम है। अब्बास आगा जी आप क्या कहेंगे आज का टॉपिक के बारे में? सॉरी मैं आपके लेट आया हूँ, मैं भी 5-10 मिनट पहले सुनना शुरू किया जब वकास भाई कुछ एंडिंग कर रहे थे, तो फिर आप लोगों ने कोई औरत के लिहाज से बात कर रहे हैं कोई टॉपिक। हमारा टॉपिक ये था कि इस्लाम में महिलाओं के क्या हकूक हैं, और हमने वकास जी से रिक्वेस्ट की कि आप 1-2-3 करके और 2 या 3 जो मेन हकूक हैं जो किसी और मजहब में उनको नहीं मिलते जिसके कारण उनको इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, ऐसे हमें 2-3 हकूक बताएं और हम नोट करना चाहते हैं। तो हम पेपर पेन लेके बैठे हैं, आप लिखवाएं, तो प्लीज आप उसको कुछ रोशनी डालना चाहें। ये जो आपका सवाल है कि किसी और मजहब में नहीं है, ये आपने क्यों क्लॉ ऐड कर दिया इसके अंदर कि किसी और मजहब में वो ना हो? क्योंकि इस्लाम का ये क्लेम है ना कि इस्लाम में इतने हकूक मिले हैं औरतों को जो कहीं और नहीं मिले हैं, मुझे बार बार ये सुनने को मिलता है। या तो आप ये कह दें कि ये गलत है, ऐसा कोई क्लेम नहीं है कि इस्लाम को स्पेशल राइट्स देता है विमेन को, या कौन
ये बात कुरान और सुन्नत ने नहीं कही कि ऐसे कई हकूक दुनिया में किसी औरत को नहीं मिले जिसने इस्लाम ने दिए हैं। ये लोगों ने बात कही है, लेकिन जी ये लोग, ये कुरान और सुन्नत में तो ऐसा नहीं है ना कि ऐसे हकूक कहीं नहीं मिले। वो एक बात जरूर की जाती है हदीस में भी, कुरान में भी, कि जो कुरान हदीस में माँ के पैर के नीचे जन्नत है, ये दुनिया की किसी किताब में भी नहीं लिखा गया माँ के पैर के नीचे जन्नत है। भाई 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 सुनो ना, ये पॉइंट हो गया, ये बहुत जोरदार स्ट्रॉन्गली पेश किया हमारे भाई ने, मोमिन भाई ने भी पेश किया ये पॉइंट। आप अपने तौर पे बता दीजिए जो ऐसे हक है जो दूसरे मजाहिब में भी है और इस्लाम में भी है और आपको वो सबसे अच्छे लगते हैं, ऐसे तीन इस्लाम बता दीजिए। आप इस बात को क्यों इग्नोर कर रहे हैं कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, आप इसको क्यों एक लाइटली ले रहे हैं इस चीज को? तो इसको एक नंबर लिखूं क्या मैं? ठीक है, नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक तरह का इज्जत दी गई औरत को, माँ के पैर के नीचे जन्नत है। आपके साथ हूँ, मान लिया मैंने। दूसरी एक और बात, दूसरी बात भी कहने लगो, ये आप ऐसा लिखेंगे, रिस्पेक्ट और ऑनर में लिखेंगे, ऑनर औरत की, ऑनर को कितना ऑनर दिया गया इस्लाम। अरे भाई मेरा टाइटल तो सुन लो, वुमेन राइट्स इन इस्लाम, ये है टाइटल, इसमें देना है एक नंबर आपको, तो आप जो बोलेंगे वो मैं लिखूंगा। देखिये रसूल पाक ने कहा है आखिरी खुतबे में लोगों को, तुम्हारी जो हकूक तुम्हारी औरतों के ऊपर हैं कि तुम उनकी उनको देखभाल करो, उनको प्रोवाइड करो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी उसमें यूज किया गया वर्ड के दे आर प्रिजनर्स विद यू, यानी कि वो तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जा रही है, तो उनके हकूक को अदा करो, तो हकूक में सभी चीज आ जाएगी ना, हकूक में सब चीज आ जाएगी। प्रिजनर्स है आपकी? नहीं, वो ये लिटरल नहीं है, नहीं लिटरल नहीं है, वो मेटाफोर है, मेटाफोर है कि वो आपके साथ है, तुम्हारी जीवन साथी है, ये कहने की कोशिश कर। तो तुम उसको क्या दो, तो तुम उसको क्या दो, उनको प्रोवाइड करो, उनको उनको हर चीज से प्रोवाइड करो। और अब्बास भाई यार आप लोग बोले नहीं दे रहे, बुनियादी सवाल के खिलाफ बात है, और कभी भी जीवन साथी नहीं है, वो एक सारी तरफ से तहत एक दूसरे के साथ रहेंगे, कि जीवन साथी कॉन्सेप्ट क्यों लेकर आ गए आप? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मैं तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपनी औरतों के साथ बेहतर है, और मैं अपनी औरतों के साथ सबसे बेहतर। कहीं भी नहीं कहा भाई, और यार मैं कह रहा हूँ ना आपको साथी कभी भी, और मैं भाई मैं कह रहा हूँ ना भाई, जब यहाँ पे बात चल रही है हदीस और कुरान में इस्लाम के क्या, इस्लाम में औरतों के क्या राइट्स दिए हैं, इस पे बात चल रही है। जब आपने प्रिज्म की बात की, तो प्रिज्म की बात मैंने ये कही कि वो आपके जीवन साथी हैं, दे आर नॉट गोइंग नोवेयर, वो एक मेटाफोर है, वो ये नहीं है कि वाकई वो प्रिज्नर है आपकी, कि वो कहीं जा भी नहीं सकती है, आपको आपने उनको बांध के लॉक रखा हुआ कमरे के अंदर, ऐसा नहीं है जिस तरह आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा था उसका मतलब ये है। और दूसरी बात ये है कि रसूल पाक ने फरमाया, मैंने तो वही कहा जो आपने लफ्ज दोहराए कि औरतें प्रिजनर्स की तरह है। नहीं नहीं, वही मैंने उसका कहा, मैंने ये कहा था उसका मतलब क्या है, ये ऐसा मतलब अगर लेंगे लिटरल मतलब लेंगे तो आप गलत है ना भाई, उसका लिटरल मतलब आप समझा रहे, तो भाई मेरे उसको आप लिटरल मतलब लेंगे कि उनको लॉक करके रखो घरों में, रिश्योर बात है, वही लेंगे ना। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि हजरत आयशा हजरत सफिया है, तो आप यार आप दिल से कुछ भी बोले ना, लिखे हुए की क्यों करते फिर आप, जब आपको लिखे हुए का मतलब, अच्छा पहले आप बोल रहे हैं दिल की बात, पहले आप बोल रहे हैं तो रेफरेंस का क्या मतलब है, जब मैं बोलूंगा तो फिर आप मेरे ऊपर ना बोले ना, मैं आपकी सुन लेता हूँ लेकिन आपको हौसला नहीं है बात सुनने का, यू नो दैट। नहीं मैं पूछ रहा हूँ इसको, एक आपने बिल्कुल हौसला नहीं है बात सुनने का, अब मुझे बोलने दे। रसूल पाक सल्लम ने फरमाया, आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, कोई औरत प्रिजनर नहीं थी उनके घर, तो जो आप प्रिजन का मतलब ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं, वो उन्होंने ऐसे मेटाफोर यूज किया है कि वो आपके साथ हैं, दे गोइंग नोवेयर, सो यू हैव रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोवाइड फॉर देम। दूसरी बात मैं ये कहने लगा था, रसूल पाक ने फरमाया है कि जो शख्स इसकी तीन बेटियां हैं और उनकी लुक आफ्टर करे सारी उम्र, दोजो की आग उस पर हराम है। ये कैसा एक दिया गया ऑनर दिया गया बेटियों को कि बेटियां आपको दोजो से बचा लेती हैं, बेटे नहीं बेटियां दोजो से बचा लेती हैं, तो जिस इंसान के बेटियां, तो उसकी तो उसको तो लकी फील करना चाहिए, मेरी तीन बेटियां, आई एम वेरी लकी टू हैव थ्री डॉटर्स, तो मुझे यह है कि मैं आई हैव टू लुक आफ्टर देम टू प्रोवाइड फॉर देम, तो उनकी जब तक शादी ना हो जाए तो अल्लाह ताला मेरे पे मेहरबान होगा। औरत का जितना औरत, मैं ये कह रहा हूँ, जितना ऑनर इस्लाम में है कहीं नहीं है। और ये तो टॉपिक अभी आपने एक एग्जांपल कर दिया है, गिव मी अ टाइम, आई विल गिव यू द एविडेंसेस एंड एवरीथिंग, आई विल प्रोवाइड टू यू, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड टू सी इस्लाम ने औरत को कितनी इज्जत दी है।
किसी मजहब में नहीं है, आई एम सेइंग दैट विद विद श्योरिटी। देखिए आपने बोल दिया वो सेंटेंस, किसी मजहब में नहीं है, इस्लाम में है, किसी मजहब में नहीं है। इज्जत, तो इज्जत, इज्जत, एक नंबर की बात बोल रहे हैं हम आपसे, मैंने इज्जत की बात की है ना, ना भाई, किसी मजहब में दिखाएं कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, किसी मजहब में दिखाएं माँ के पैर के नीचे जन्नत है। यार आप फिर वही कह रहे राइट, मैंने कहा इज्जत की बात की है, आप राइट राइट पे क्यों लेके जा रहे हैं, इज्जत की बात पूछ रहा हूँ, वही बात करेंगे ना भाई, टॉपिक इज्जत का नहीं है ना मेरे भाई, वुमेन राइट है, ठीक है ठीक है, लेकिन मैंने मेरे मेरे जुमले पे गौर करें, मैंने कहा जितनी इज्जत इस्लाम में औरत की है किसी मजहब में नहीं है, ये मेरी मेरी बात, इज्जत की बात मत कीजिए, राइट्स की बात कीजिए। अच्छा आपको यानी कि इज्जत पसंद नहीं है आपको, औरत की इज्जत पसंद नहीं है आपको, दैट्स व्हाट यू सेइंग, राइट्स पे बात करनी है, वी विल डू दैट अगेन, आप बताएं टाइम बताएं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको पूरी पूरी एविडेंसेस लेकर आऊंगा, इंशाल्लाह अभी मैंने एकदम से ऑन किया है, आई डोंट नो, देयर आर मेनी एविडेंसेस ऑफ वुमेन्स राइट्स, टाइम बोलिए, टाइम बोलिए, तालिक बोलिए, टाइम बोलिए जी, ऐसा करते हैं कि इंशाल्लाह ताला आप एक दो दिन में आपने जब करना हो रख लें, आ जाऊंगा मे बी ट्यूजडे इंशाल्लाह ताला, सॉरी मंडे, मंडे विल बी फाइन।